हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टैंडर्ड्स करते हैं। और स्टैंडर्ड्स में ना आज मैंने कुछ फाइल को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने ना आज स्टैंडर्ड्स में से क्या किया है, जैसे अगर मान लो मैं आपको 500 के कुछ स्टैंडर्ड्स करा रही हूँ सीरीज के, तो मैंने ना पीछे जो इनके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होते हैं वो टोटली इसमें से उड़ा दिया है। नो क्वेश्चन आंसर्स, नो MCQs टुडे। आज की क्लास हमारी मेरे कुछ फेवरेट वाले स्टैंडर्ड्स की क्लास है, जिन पे से कि लगता है कि केस स्टडीज आने के चांसेस वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ स्टैंडर्ड्स 200 की सीरीज के, कुछ स्टैंडर्ड्स 500 की सीरीज के, एंड एक स्टैंडर्ड 700 वाला जो 710 है। ठीक है, तो चलो आज मैं देखो, जब भी तुम लोग सीरीज बना करके पढ़ते थे कि ये वाला स्टैंडर्ड, इसके बाद ये वाला स्टैंडर्ड, इसके बाद ये वाला स्टैंडर्ड, वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने वाली हुआ करती थी। अब आप लोग सिर्फ क्योंकि रिविजन क्लास कर रहे हो, तो आई एम स्टार्टिंग नाउ विद SA 500 की सीरीज, 500 के कुछ स्टैंडर्ड्स, क्योंकि एक क्लास में मैं सारे तो करा नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो 500 के कुछ स्टैंडर्ड्स में आपको आज करा रही हूँ। मेरी फाइल अपने हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफाई कर लिया है। ओके, मैटर वही है जो आप लोगों की किताबों में है, बट स्टिल फाइल मैंने थोड़ा सा स्क्रीन पर अपने हिसाब से मॉडिफाई की है, कलर्स वगैरह अपने हिसाब से कुछ चेंज कर लिया, क्वेश्चंस उड़ा दिए। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद SA 510। जब हम SA 510 की बात करते हैं तो 510 SA 510 आपका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स पर है, और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स में ये ओपनिंग बैलेंसेस की बात करता है। जब हम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स की बात करते हैं तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स का मतलब लास्ट ईयर ऑडिट मैंने नहीं किया था, मेरी प्रैक्टिस यूनिट लास्ट ईयर इस क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड इन द कैपेसिटी एज ऑडिटर नहीं थी, या तो ऑडिट इस पर्टिकुलर क्लाइंट का हुआ ही नहीं था, या ऑडिट किया था तो किसी दूसरी प्रैक्टिस यूनिट ने किया था। अब सवाल क्या उठता है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, क्योंकि जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो तो मैंने चेक किए हुए नहीं है। आई एम नॉट हैविंग एनी डॉक्यूमेंटेशन विद मी रिगार्डिंग द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। सो बेसिकली व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, हाउ फार दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज ऑन, ये सारी बातों को इस एसे में बताया है। पहला पॉइंट, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं ये जितना आपको रिवीजन करा रही हूं उस रिवीजन के टाइम में MCQs केस स्टडीज दिमाग में रख रही हूं, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ इसका मतलब वो चीज मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। तो क्या ये वाला ऐसे रेकरिंग ऑडिट्स में लगेगा? नहीं, ये ऐसे रेकरिंग ऑडिट्स में नहीं लगेगा। ये केवल कब लगेगा? ये केवल दो कंडीशंस में लगेगा, जब मेरा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगा एंड क्लाइंट के यहाँ, यानी दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी क्लाइंट के यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस भी होंगे। मेरा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कब होगा? जबकि लास्ट ईयर ऑडिट मैंने नहीं किया, मेरी प्रैक्टिस यूनिट ने नहीं किया, या तो लास्ट ईयर ऑडिट किसी और प्रैक्टिस यूनिट ने किया, या तो ऑडिट हुआ ही नहीं था। जैसे कि किसी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करना हर साल कंपल्सरी नहीं है, तो हम पहली बार उस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, राइट? चलिए, नाउ इन्होंने कहा कि ये ऐसे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के केस में लगेगा, और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के केस में केवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस को बताएगा, ओपनिंग बैलेंसेस जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में थे। ठीक है, नाउ जब आपने कहा ऑब्जेक्टिव, तो इसके ऑब्जेक्टिव दो हैं, हम इसको M और P के नाम से पुकारते थे, M और P। पहला ऑब्जेक्टिव, इस साल का ऑडिटर ये देखेगा, इस साल के ऑडिटर को मैं करेंट ईयर्स ऑडिटर बोल रही हूँ, सो करेंट ईयर्स ऑडिटर इज गोइंग टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स। पहला पॉइंट, आपने कहा उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंसेस में गड़बड़ हुई और उसका कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर्स वगैरह प्रायर पीरियड आइटम्स के हिसाब से नहीं किए गए, जो भी जरूरी है FRF के अनुसार करना, चाहे एडजस्टमेंट करना, चाहे सिर्फ डिस्क्लोजर करना, चाहे पास्ट ईयर वालों को एडजस्ट करना, चाहे इस साल वाले में SPPA प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट पास करना, जो भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इस साल वाले भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो जाएंगे। दूसरी बात, जो ओपनिंग बैलेंसेस के लिए पॉलिसीज थी, क्या इस साल भी सेम पॉलिसीज रही हैं, और अगर पॉलिसी का चेंज किया गया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल AS 5 बोलता है
change is to be made in any accounting policy only when the change is required by law or change is required by AS or it results in better presentation. And if any change has been made in accounting policy due to any of these reasons, then the appropriate disclosure should have been made, and if it is possible, it should be treated from retrospective effect. इसका मतलब दूसरी बात क्या policies जो भी financial statements में आ रही हैं वो similar हैं last year वाली policy इस साल लगाई गई है और change यदि हुआ है तो FRF को follow उन लोग किए हैं कि उन लोग follow नहीं कर रहे थे. Now जब आपने definition बोला तो initial audit engagements या तो last year audit ही नहीं हुआ या audit क्या predecessor auditor ने opening balances जो इस साल के शुरू में है current year के शुरू में यानी last year के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, प्रीडिसेसर ऑडिटर कभी भी मेरी फर्म से नहीं है. सो ऑलवेज फ्रॉम अ डिफरेंट प्रैक्टिस यूनिट, ऑलवेज फ्रॉम अ डिफरेंट प्रैक्टिस यूनिट, मेरी फर्म ने या मेरी प्रैक्टिस यूनिट ने लास्ट ईयर इस क्लाइंट का ऑडिट नहीं किया था. अब जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स और इन सब की बात करते हैं, अब जो हमारे पास में, सो बेसिकली दिस थिंग वी हैव स्टडीड सो फार. नाउ अब आपने कहा देखिए इस स्टैंडर्ड को कितने भाग में बांटा गया था, दो मेन पार्ट्स में. पहला पार्ट ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होगा जब हम ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे और ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में वो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग क्या करेगा बेसिकली. सो पहला पॉइंट ऑडिटर का प्रोसीजर, अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी तो आप लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो और अगर लास्ट ईयर के ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन मॉडिफाई की थी, दैट मींस लास्ट ईयर के ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन अदर देन अनक्वालिफाइड एक्सप्रेस की थी, आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स और अ डिस्क्लेमर दी थी और उन लोगों ने जिस वजह से वो ओपिनियन अदर देन अनक्वालिफाइड गई थी यानी मॉडिफाइड गई थी, उस चीज को करेक्ट नहीं किया है. ठीक है, देखिए क्लासेस में अगर आपने क्लास ली है तो आपने जो अकाउंट्स बनाए हुए थे सारे दोस्त मस्ट हैव बीन इन योर माइंड. अदरवाइज बहुत सीधी सी बात, जो प्रायर पीरियड आइटम था उसका FRF के अनुसार ट्रीटमेंट या डिस्क्लोजर नहीं हुआ है. तो इसका मतलब लास्ट ईयर वाले ऑडिटर ने जो ओपिनियन मॉडिफाई की थी, अगर उसने मॉडिफाई किया था कि लास्ट ईयर एक गलती थी, सेल्स में गलती थी और उसके बारे में इस साल कोई एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर नहीं हुए हैं, तो वो गड़बड़ इस साल के लिए भी रेलिवेंट हो गई. फिर इस साल का ऑडिटर इस साल की ओपिनियन में भी मॉडिफाइड एक्सप्रेस करेगा. नाउ सेकेंड पॉइंट, एक तो ये हो गया आपका काम कि आपने लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा और लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड थी तो उसके अनुसार उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस किया. दूसरा पॉइंट, आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर वाली अकाउंटिंग पॉलिसीज को विद दिस ईयर अकाउंटिंग पॉलिसीज. अगर उसमें कोई चेंज है तो आप देखोगे एज पर FRF हुआ है या नहीं. अगर क्लाइंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज अगर इंडियन AS लग रहा है तो इंडियन AS के अकॉर्डिंगली. अगर चेंज किया उन्होंने पॉलिसी को पर वो चेंज FRF के अनुसार नहीं है या FRF के अनुसार एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर नहीं किया, तो FRF का नॉन कंप्लायंस हो गया, राइट. सो इफ देयर हैज बीन नॉन कंप्लायंस विद FRF तो उस केस में हमेशा ओपिनियन मॉडिफाइड में कैसी जाती है, SA 705 में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाती है. दूसरी बात, अब हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस M मिसस्टेटेड तो नहीं है, तो इसके लिए हम लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से देखेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस क्या थे, उनको देखेंगे इस साल लेजर अकाउंट्स में कॉपी ठीक किया है या कॉपी ठीक नहीं किया है. प्लस इसके साथ हम ये बात चेक करेंगे जैसे जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, मान लो अगर लास्ट ईयर का डेटर था तो लास्ट ईयर के डेटर से इस साल पैसा मिल गया होगा, तो इस साल जब मैं कैश बुक को चेक कर रही होंगी, तो मेरा ओपनिंग जो डेटर था मेरे को कंफर्म हो जाएगा या तो ओपनिंग डेटर से कैश मिला होगा, है ना, या तो फिर ओपनिंग डेटर से बैड डेट्स राइट ऑफ हो गई होंगी. तो इस साल का काम करते वक्त आप रिलेट कर सकते हो
कोई चीज देखोगे पीपी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, अगर एंट्री पास करना था एज पर एफ आर एफ तो वो पास हुई है या नहीं हुई है। पर अगर कभी भी आपको डाउट हुआ तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ध्यान में रखते हुए अपना काम बढ़ा दोगे। फिर आप उनसे लास्ट ईयर की चीजें भी मांगोगे, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन एविडेंसेस भी मांगोगे क्लाइंट से। फाइनली आप कंक्लूड करोगे। अगर आपको पता नहीं चल पाया लास्ट ईयर के क्लोजिंग यानी इस साल की ओपनिंग के बारे में, तो क्योंकि पता नहीं चल पाया इररिस्पेक्टिव ऑफ मी अप्लाइंग ऑल द प्रोसीजर्स जो भी मैं काम कर सकती थी उसके बावजूद भी, तो मेरी ओपिनियन अनेबिलिटी यानी इनेबिलिटी के केस में जाती है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। और अगर मुझे पता चला लास्ट ईयर वाले क्लोजिंग यानी इस साल के ओपनिंग में गड़बड़ थी और उस गड़बड़ का एफआरएफ के अनुसार जो भी ट्रीटमेंट प्रायर पीरियड आइटम्स का होना चाहिए था, बिकॉज ट्रीटमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में अलग है, तो जो भी क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल था उसके अनुसार जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था, अगर उन लोगों ने वो ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उस केस में हमारी ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स जाएगी। आई शुड क्लैरिफाई वन पॉइंट ओवर हियर, अगर मेरे क्लाइंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे होंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंगली तो प्रायर पीरियड आइटम का पीपीए प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री इसी साल पास होगा, और अगर उस पर इंडियन एएस लग रहा होगा तो इंडियन एएस के अनुसार गलती जिस साल को पर्टेन करती है लास्ट ईयर्स में उस पर्टिकुलर ईयर में उसका इफेक्ट दिखाया जाएगा। तो ऑडिटर को केवल कंप्लायंस विद एफआरएफ को चेक करना है। सो बेसिकली दिस इज समथिंग बिफोर यू पीपल, आपको इस पे बहुत अच्छे से दिमाग लगा लेना है। इफ दिस इज सेट, तो अगर उसने मुझसे एग्जाम में पूछा एग्जामिनर ने, क्वेश्चन पेपर सेटर ने, कि आप मिस स्टेटमेंट के बारे में क्या करोगे, तो मिस स्टेटमेंट के बारे में प्रोसीजर एंड देन मिस स्टेटमेंट के बारे में क्या हो गया ओपिनियन। अगर उसने पूछा पॉलिसी के बारे में क्या करोगे, तो सो दिस पार्ट इज अबाउट पॉलिसीज को चेक करना और उसका कंक्लूड करना, और लास्ट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना इज दिस वन पर्टिकुलर पार्ट, राइट। क्योंकि अगर केस स्टडी आएगी तो या तो वो बोलेगा, नॉर्मली अगर केस स्टडी आएगी तो या तो उन लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंसेस मिस स्टेटेड है इस पर, या तो बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज पर, तो कोई एक पार्ट आप लोग को लिखना पड़ेगा। और अगर एमसीक्यू आएगा तो नॉर्मली एमसीक्यू ये इनेबिलिटी मिस स्टेटमेंट नहीं है तो हम ओपिनियन कैसा एक्सप्रेस करेंगे, क्या रिकरिंग ऑडिट में लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं रिकरिंग में नहीं लगेगा, ऐसी चीजों पर आएगा। सो एसए 5105 सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑप्टेन करना है, वन मेरे को आई जैसा लगता है, सो इट इज अबाउट इनिशियल एंगेजमेंट, एंड ये ओ जैसा लगता है अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस। तो 510 इज ऑल अबाउट ऑप्टेनिंग सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। I initial engagement, O opening balances, 5 की series, sufficient and appropriate evidences based series. Is that clear? मैं आज थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड ही लेके चल रहा हूँ। आप देखो 520-30 तो इधर नहीं है ना, जो थोड़ा थियोरेटिकल टाइप्स के हैं, ओके okay? चलिए ना, जब आप ऐसे 550 की बात करते थे तो 550 राइट, सो 550 इज ऑल अबाउट योर रिलेटेड पार्टीज, एंड रिलेटेड पार्टीज के बारे में देयर इज वन एफआरएफ 2। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करते हो तो मेरे क्लाइंट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 भी लग सकता है, मेरे क्लाइंट के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 भी लग सकता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, ज्यादा सख्त है, ज्यादा डिस्क्लोजर्स मांगे गए हैं उधर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे रिलेटेड पार्टी बताई गई है कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसकी रिलेटेड पार्टी होगी, होल्डिंग सब्सिडियरी को सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी एनी की मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर रिलेटिव एंड एनी एंटिटी इन विच दीज टू कैटेगरी ऑफ पीपल जो हमने थर्ड और फोर्थ में बोले उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसे लोगों के साथ हुई है तो नेम, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, आर्म्स लेंथ था या नहीं था, और बैलेंस शीट डेट को रिलेटेड पार्टी कितने अमाउंट से डेटर है, क्रेडिटर है, यानी कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
एस पर एफ आर एफ, ये मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के बारे में। और ये एफ आर एफ की रिक्वायरमेंट किसके लिए आएगी? क्लाइंट के लिए आएगी। तो जाहिर से तौर पर मेरे को इस एस्से में ये तो देखना ही देखना पड़ेगा, पक्की बात है, कि जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट है उसने अपने ऊपर लगने वाला रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो भी एफ आर एफ है उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। बिकॉज अगर उन लोग कंप्लायंस विद एफ आर एफ रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कर रहे होंगे, यस कर रहे होंगे, तो ओपिनियन अनक्वालिफाइड। और अगर नहीं कर रहे होंगे, डिस्क्लोजर्स नहीं किया, तो आप बताओ फिर मेरी ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स जाएगी। सो नाउ डिस्कस, ओके, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में और उनके साथ ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ का खतरा कम होता है कि नहीं होता है? सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है या रिलेटेड पार्टीज में कि ज़्यादा है? तो ये ऐसे ऑडिटर की जिम्मेदारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस के बारे में है, फ्रॉड होने के खतरा, रॉम्स, इन सब के बारे में है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ऐसी है कि इससे हायर रॉम हो जाता है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग बाग अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलीभगत करके गड़बड़ ज़्यादा करते हैं। नॉर्मली ये नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे नहीं होती, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस एट टाइम्स नहीं होती, कभी कभी कोई कंसिडरेशन पे नहीं होती है। सो बेसिकली ऑडिटर को किसका ध्यान रखना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ही शुड बी वेरी अलर्ट, बिकॉज हो सकता है क्लाइंट ने कोई रिलेटेड पार्टी का नाम आपसे छुपा ही क्यों ना लिया हो। सो ऑडिटर शुड बी वेरी अलर्ट, उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा अपना ध्यान में रखते हुए ऑडिट करना पड़ेगा। You know, considering the potential risk of material misstatement, which is inherently associated with these related party relationships. In related party relationships के साथ जो बहुत close relationship है higher ROMs का, उनकी वजह से। तो चाहे एफ आर एफ ने कुछ भी बोला हो नहीं बोला हो, आपको कंसिडर करना ही करना पड़ेगा। चाहे एफ आर एफ कुछ भी कहता हो, आपको कंसिडर करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में हमेशा रिस्क ज़्यादा है। जस्ट लाइक अगर आप कहते हो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स की शिफ्टिंग हो जाती है एट टाइम्स, सत्यम ने मायतास के साथ मिलकर, जो उनके बेटे की कंपनी थी, मिलकर के गड़बड़ करने का, एक ट्रांजैक्शन करने का कोशिश किया था, तो समटाइम्स दीज काइंड ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स यू नो नॉर्मल बिजनेस कंसिडरेशन की वजह से नहीं एंटर करते हैं इन लोग ना। तो आपको देखना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मान लो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स की वजह से हुए हैं जो भी ट्रांजैक्शंस, तो वो मिसलीडिंग तो नहीं है। अब व्हाट इज एग्जैक्टली आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन? सो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नॉर्मल मार्केट रेट पर हुई। सो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हम किसको बोलेंगे? जो भी एक विलिंग बायर विलिंग सेलर की बात होती है, जो अनरिलेटेड है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, नॉर्मल मार्केट रेट्स पर हुई हुई ट्रांजैक्शन। एंड रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन एप्लीकेबल एफआरएफ, तो आई हैव जस्ट, मैंने अभी आपके सामने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 ने जो रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई किए हैं वो 5 रिलेशनशिप्स फॉर एग्जाम्पल। नाउ अब आपने कहा जब भी हम लोग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो आपने कहा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सबसे पहले आप मैनेजमेंट से पूछेंगे, मैनेजमेंट आप बताओ आपकी रिलेटेड पार्टीज का नाम क्या है, लास्ट ईयर से कोई चेंज तो नहीं आया, क्या नेचर है, क्या वो होल्डिंग है या वो सब्सिडरी है या वो की मैनेजरियल पर्सन है या कोई रिलेटिव है, व्हाट इज द नेचर, सो प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट। आप एंटिटी से पूछ रहे हैं कि आप कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं उन लोग के साथ में, आपने कैसी ट्रांजैक्शन में एंटर किया, प्लस इसके साथ साथ आप ये सारी बात अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि मैनेजमेंट ने ऑथराइज किए सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को, मैनेजमेंट ने अगर कोई आउटसाइड नॉट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, नॉट आर्म्स लेंथ है, सो आई शुड टेल यू वन थिंग हियर, अगर हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो कंपनी लॉ में अंडर सेक्शन 188 अगर नॉट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हो रही होती है विद रिलेटेड पार्टीज, तो वहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन ज़रूरी होता है। तो हम उनसे पूछ रहे हैं भाई आप बताइए अगर आपने नॉट आर्म्स लेंथ कोई ट्रांजैक्शन की है
और अगर सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट में कोई बोर्ड ऑथराइजेशन बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी था तो क्या वो बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ है, प्लीज प्रोवाइड मी अ कॉपी ऑफ दैट बोर्ड रेजोल्यूशन। तो आप अपने आप को हर तरीके से, हर मुनासिब तरीके से खुद को सेटिस्फाई करा रहे हो कि ये चीज हुई हुई है, प्लस उन्होंने FRF को फॉलो किया है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको हमेशा क्या रहना है, आपको हमेशा 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 अलर्ट रहना है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा पता चल सकता है कि आपको कोई रिलेटेड पार्टी पता चली जो उन लोग आपसे छुपा गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगा कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्काउंट दिया गया है, तो इफ डिस्काउंट इज वेरी मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आपको उनसे पूछना बनता है, आप बताओ इतना हेवी डिस्काउंट क्यों दिया, क्या ये रिलेटेड पार्टी है। ही माइट कम अप विद द आंसर, ओ यस सर, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था रिलेटेड पार्टी। जब इंसान एक रिलेटेड पार्टी को बताना भूल गया था तो भगवान जाने कितनी और रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं। प्लस अगर कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है तो भी आपका पूछना बनता है, कहीं रिलेटेड पार्टी के साथ तो नहीं हुई है। और आप अपनी टीम में सब मेंबर्स को बता दीजिए कि देखो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड खतरा ज्यादा है। सी, आपकी सबकी किताबों में फ्लो चार्ट बना हुआ है, आपकी क्लास की नोटेंक्स या आपकी अपने आप से जो आपने नोटेंक्स की हुई है वो भी हैं। आज मैं आपको पूरी पूरी चीजें बता रही हूँ एक बार, ताकि ये लास्ट मोमेंट दिमाग में थोड़ा बैठ जाए ना। अब आपने कहा कि उनको SC-240 को भी ध्यान रखना है, बिकॉज SC-240 इज ऑल अबाउट फ्रॉड एंड रिलेटेड पार्टीज के साथ मिलकर के फ्रॉड ही ज्यादा होता है। अब इसमें कितनी तरह के खतरे बताए गए हैं, इस SC में 3 तरह के बताए गए हैं। आपको कोई पुराना उन्होंने हमसे जो छुपाया था ऐसी रिलेटेड पार्टी पता चली, या आपको नॉट आर्म्स लेंथ वाली ट्रांजेक्शन पता चली, या आपको पता तो चला कि रिलेटेड पार्टी है नॉर्मल टर्म्स पे, इक्विवेलेंट टर्म्स पे, पर आपको शक हो रहा है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क आर देयर? देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ रिस्क जिसके लिए आपको प्रोसीजर्स करने हैं, 1, 2, 3। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग आपकी किताब में फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। ओके, नाउ इसको करते ही क्लास पॉज करके एक बार अपनी हाथ की नोटिंग वाला फ्लो चार्ट ऐसे करके देख लेना, तो चीज एकदम से और याद आ जाएगी। ठीक है, नाउ आई एम सॉरी, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, जब आपको पता चला, ऑडिटर को पता चला कोई भी ऐसी रिलेटेड पार्टी है जो मैनेजमेंट ने हमको नहीं बताई थी, तो सबसे पहले आप सबको बता दो कि देखो जी ये लोग ये नाम छुपा लेते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कोई सा एक पार्ट आपसे पूछा जाने का चांस है बाय द वे ऑफ केस स्टडी। ठीक है, तो कोई सा एक, तो अगर आपको पता चला प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड, तो शक है ऐसी दूसरी पार्टीज तो नहीं है। तो आपने सब में ये इंफॉर्मेशन फैला दी, प्लस आपने बोला कि आप बताओ इस नई पार्टी से जो आपने अभी अभी मुझे बताई है क्या ट्रांजैक्शन हुई है, और ये बताओ ऐसा कैसे हुआ कि आपने ये बात मुझे पहले कभी नहीं बताई थी। आपके इंटरनल कंट्रोल इतने वीक कैसे हुए कि आप रिलेटेड पार्टी का नाम बताना मुझे भूल गए, आप रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना भूल गए। इसका मतलब अगर आप एक रिलेटेड पार्टी भूल सकते हो तो भगवान जाने ऐसी कितनी और रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं, आप शायद उनका नाम भी मुझसे बताना भूल गए होंगे। और अगर लगता है उन लोग ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, तो जो इंसान एक चीज जानबूझ करके गड़बड़ करता है भगवान जाने कितनी चीज कर रहा होगा, आपको इम्प्लीकेशन सोचनी होगी। सो दीज आर द प्रोसीजर्स आई हैव टू कैरी आउट जब मेरे को एक रिलेटेड पार्टी पता चली जो रिलेटेड पार्टी उन लोग ने पहले हमसे छुपा ली थी। नाउ द अदर रिस्क इज, अगर मुझे पता चला कि उन्होंने आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं की है, कोई बहुत हेवी डिस्काउंट्स दिए हैं, या कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू नो फ्री में विदाउट एनी कंसिडरेशन उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया है, तो आपको पूछना है बिजनेस रैशनल क्या है, क्यों किया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। हो सकता है आप जब पूछे कि देखो भाई 75% का डिस्काउंट दिया, क्यों दिया आपने रिलेटेड पार्टी को डिस्काउंट, द क्लाइंट माइट कम अप विद एन आंसर कि सर मेरा सामान पड़ा हुआ खराब हो रहा था, इस सामान को मुझे कूड़े के भाव भेजना ही था, मैंने इसको रिलेटेड पार्टी को जरूरत थी, उन लोगों को बहुत हेवी डिस्काउंट पर भेज दिया बिकॉज नॉर्मल मार्केट के अंदर मंदी के कारण मेरा सामान नहीं बिक रहा था। ठीक है, दैट्स क्वाइट ओके, देयर इज अ रैशनल। आपका डाउट था, आपका डाउट क्लियर हुआ, यू कैन इंक्वायर अबाउट द मार्केट एंड देन इट्स डन। बट हाउएवर, अगर आपको लगता है उन्होंने कोई बिजनेस रैशनल नहीं अप्लाई किया,
तो इसका मतलब ये जरूर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है. 75% डिस्काउंट दिया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लोग लॉस दिखाना चाह रहे हैं. नाउ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है कि अगर उन्होंने जो भी डिस्काउंट दिया था जो मैनेजमेंट बोल रहे उसके अनुसार ठीक है या नहीं. और इवन अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन नॉट आर्म्स लेंथ की है, नॉट आर्म्स लेंथ का मतलब नॉट नॉर्मल का ट्रांजैक्शन, तो उसका अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग किया है या नहीं किया है. ओके, प्लस ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन आप चेक करेंगे बिकॉज इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अंडर सेक्शन 188 कंपनीज एक्ट में बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी है. अगर कुछ लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो जनरल मीटिंग में मेंबर्स का रेजोल्यूशन भी जरूरी है. तो आपको देखना है अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन एज पर लॉ हुआ है या नहीं. नाउ ये दोनों के आने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है. आपने पढ़ा होगा तो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा. नाउ assertions that related parties equal in terms पे तो भी डाउट का पता नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई भी या नहीं. ये दूसरे लोगों को भी सामान जिस रेट से बेचते रिलेटेड पार्टी को भी उसी रेट से बेचा हुआ है. However, रिलेटेड पार्टी के कन्फर्मेशन पे आप रिलाय नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप एक्स्ट्रा एविडेंसेस देखोगे. आपको बहुत ज्यादा एविडेंसेस ऑप्टेन करने पड़ेंगे. आप एक्चुअल देखोगे अगर सेल किया इन्होंने रिलेटेड पार्टी को कोई सामान तो सच में स्टॉक मूवमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था. आप देखोगे कि कैश आया था कि नहीं आया था. आप चेक करोगे, ट्रांसपोर्टर से पूछोगे एंड ऑल करोगे. यानी आपको इस आइटम के बारे में ज्यादा एविडेंसेस को ऑप्टेन करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डाउट कि इवन इफ दे पीपल आर सेइंग दैट ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड तो सच्ची मुच्ची में ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं हुई है. सो देयर आर दीज थ्री काइंड ऑफ रिस्क. इन तीन काइंड ऑफ रिस्क में आपको ये प्रोसीजर करने, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एग्जाम पर्पस. आने को कुछ भी आ सकता है, प्लीज मेरे वाइस सब करा रही हो और आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है पहले से. नाउ अब आपको देखना है कि आपको ओपिनियन देनी है तो ओपिनियन देने से पहले आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर हुआ या नहीं हुआ एज पर FRF. नाउ FRF कैन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 हो सकता है. नाउ आप WR ले लीजिए कि उन लोग की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अप्रोप्रिएटली रिलेटेड पार्टीज को अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज किया है और उन लोग ऑडिटर को सारी बात बता चुके हैं. उन लोगों ने कोई बात ऑडिटर भैया से छुपाई नहीं है 1% का भी. और आप रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ भी डाउट होता है आप फटाफट से सारी बात TCWG को बताइए और अपने पास वर्किंग पेपर रख करके चलिए ही चलिए. क्योंकि अगर मान लो उन लोगों ने ये डिस्क्लोजर नहीं किया होगा, अगर डिस्क्लोजर किया है इफ यस तो ओपिनियन अनक्वालिफाइड और अगर डिस्क्लोजर नहीं किया होगा तो ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स जाएगी. अब आप अगर आपको एक बार वापस से अपनी किताब से पढ़ना है अब आप इसको पॉज करो, पॉज करके क्लास की है तो क्लास की नोटिंग्स देख लो, अदरवाइज फ्लो चार्ट एक बार क्लास पॉज करके ऐसे करके देख लो, दिमाग में बैठ जाएगा, देन मूव टू अनदर. और अगर टाइम नहीं है तो अभी चलो अगले वाले पर, डोंट पॉज द क्लास नाउ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. नाउ तो ऐसे 550 किस पर था, भाई भाई पर, पांच पांच भाई भाई, एक से लगते ना ट्विन ट्विन. सो 550 वॉज ऑल अबाउट भाई भाई रिलेटेड पार्टीज के ऊपर, रिलेटेड पार्टीज के बारे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट जब हम ऐसे 560 बोलते हैं, पांच पांच का सब्सिक्वेंट नंबर इज 6, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे 560 की बात कर रहे हैं. ऐसे 560 इज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड. ऐसे 560 आपको किसके बारे में बताता है, तो ऐसे 560 आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम ऐसे 560 की बात करते हैं हमको पता है अगर हम AS4 की बात करते हैं तो AS4 कहता है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट अप टिल द कंक्लूजन, जो भी पर्टिकुलर मतलब कहाँ तक की बात करते हैं. अगर हम FRF की बात करते हैं तो क्लाइंट के ऊपर एक FRF लगता है, वो एक इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोलता है. अगर हम AS4 की बात कर रहे हैं तो AS4 बात करता है अप टिल डायरेक्टर्स अप्रूवल या जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है जिसको हम स्टैंडर्ड्स में TCWG बोलते हैं उसके अप्रूवल तक. तो अगर अप्रूवल तक कोई घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं ने फर्दर एविडेंसेस दिए हुए हैं कंटिंजेंसी के बारे में, कोई भी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में चांस बैलेंस शीट डेट को था. मान लो मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट 29 मार्च को कोई केस फाइल हुआ और 29 मार्च को केस फाइल हुआ, 5 अप्रैल को केस का डिसीजन भी आ गया,
ठीक है, अभी तक बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। 5 तारीख को उनका केस का डिसीजन भी आ गया और 5 तारीख को आए हुए डिसीजन में क्लाइंट को 2 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा। तो AS4 बोलता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, आप इसको एडजस्टिंग इवेंट बोलिए और एडजस्टिंग इवेंट के अनुसार इसका एंट्री पास कीजिए, प्रॉपर एक प्रोविजन बना करके चलिए। और वो लोग फेवरेबल इवेंट्स को भी बोलते हैं और अनफेवरेबल को भी बोलते हैं। तो जब हम इसका पहला हिस्सा डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च, डेट ऑफ अप्रूवल जिस दिन TCWG ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिए हैं, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मान लो 3rd में, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मान लो 10 मई, डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इश्यूड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को से फॉर एग्जाम्पल इलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट कराया गया, सर्कुलेट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट 2 हिस्सों में है, पहला हिस्सा ये था और दूसरा हिस्सा ये। पहला हिस्सा इवेंट अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक काम करना है मान लो 10-5 तक, पर 10 मई तक की घटनाओं में से वो घटनाओं के एविडेंसेस लेने हैं जिनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर करा जाना जरूरी था वो इवेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लाइंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 लग रहा है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लग रहा है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो मुझे एविडेंसेस लेने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंगली जो भी एडजस्टिंग इवेंट्स है वो एडजस्टिंग इवेंट्स को मेरे क्लाइंट ने आइडेंटिफाई करके एडजस्ट एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर दिया है या नहीं कर दिया है, राइट। और इसके बारे में हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, हम इंक्वायरी मैनेजमेंट और TCWG की करेंगे, लॉयर से पूछ सकते हैं, कोई केस चल रहा है तो आप कोई कोर्ट का नोटिस देख सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा, आप कोई मिनट्स वगैरह को पढ़ोगे, अगर एंटिटी अपने कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है लाइक क्वार्टरली और मंथली व्हाटएवर, तो आप उसकी कॉपी भी ले सकते हो। बाय परफॉर्मिंग ऑल दीज प्रोसीजर्स यू वुड बी नोइंग कि कहीं कोई एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं हुई थी जो FRF के अनुसार उन लोग को बीते साल के यानी जिस साल का मैं ऑडिट करने जा रही हूँ उस साल में एडजस्ट करनी थी। बिकॉज अगर एडजस्ट करनी थी तो मुझे देखना है कि ऐसे इवेंट को रिफ्लेक्ट किया है या नहीं किया है एज पर FRF, बिकॉज अगर एडजस्ट कर लिया होगा तो ओके, और अगर उन लोग एडजस्ट नहीं कर रहे होंगे तो हमको ओपिनियन अपनी क्वालिफाइड या एडवर्स डिस्क देनी पड़ेगी, राइट। सो बेसिकली पहला हिस्सा कहाँ तक हो गया, पहला हिस्सा हो गया अप टिल उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। हम WRs लेकर के ही चलेंगे कि उन्होंने एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर एज पर FRF किए हुए हैं। नाउ दूसरा जो हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा हमेशा आपकी किताब में फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट अपने आप क्लास पॉज करिए, फ्लो चार्ट खुद से देखिए, मैं डिटेल करा रहे हो ताकि ये लास्ट मोमेंट पे लिखना क्या है वाली लाइन भी ध्यान रह जाए, ठीक है। नाउ तो ऑडिटर को क्या अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद भी कुछ प्रोसीजर करने, नो ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन। फिर भी अगर उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद से फॉर एग्जाम्पल उसने ऑडिट रिपोर्ट अपनी साइन करी थी 10 मई को पर उसको 12 मई को कोई बात पता चलती है, ये बात अगर उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाली तारीख को पता चल जाती तो उसके ओपिनियन पे प्रभाव पड़ा होता। मेरी क्लाइंट ने प्रोविजन फॉर टैक्स कम बनाया हुआ है, ये बात मुझे ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चली। अगर मुझे पहले पता चल जाती कि उन लोग प्रोविजन फॉर टैक्स कम बना रहे हैं तो जाहिर से तौर पे मैंने अपनी ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स दी होती। तो जब जाके तभी सवेरा, अब हम मैनेजमेंट को कुछ बोलने वाले हैं, अब हम मैनेजमेंट से ये मामला डिस्कस करेंगे, हम उनको बोलेंगे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करो बिकॉज तुमने प्रोविजन कम बनाया है, और हम ये बोलेंगे कि आप कैसे इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाओगे। अगर मैनेजमेंट मान जाता है, मैनेजमेंट कहता है ठीक है सर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड्राफ्ट एंड री अप्रूव कर रहा हूँ, इफ यू कैन रिलेट एट दिस टाइम, क्योंकि आप अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं इस टाइम तक, रिविजन के टाइम तक सारा का सारा, तो हमारे पास कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 130 एंड 131 भी आता है जहाँ पे वॉलंटरी रिविजन की भी बात होती है। तो यस, अगर और अगर मैनेजमेंट मान जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो ऑडिटर नया काम करेगा और अपनी एक नई ऑडिट रिपोर्ट देगा। नई ऑडिट रिपोर्ट आने से पुरानी ऑडिट रिपोर्ट नल एंड वॉइड हो जाएगी।
प्लस इसके साथ साथ ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ड्यूएल डेटिंग भी डाल सकता है. आज के दिन ऑडिटर को इन एनी केस ईओएम तो देना ही देना है. ईओएम इम्फोसिस ऑफ मैटर सेक्शन दैट मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 3rd May. हाउएवर ऑन से फॉर एग्जाम्पल 15th of May दे हैव रीड्राफ्टेड एंड रीअप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज अप्रोप्रिएटली बीन गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स नंबर दिस इन दिस. माई ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट. तो ऑडिटर ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर दिया कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज किया जिसका डिस्क्लोजर उन लोगों ने चेंज वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है. अब क्या करेगा ऑडिटर, अब ईओएम मैटर देने के बाद में या तो ड्यूएल डेटिंग दोनों तारीखें डालेगा, यानी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी 10th of May भी और नई डेट भी, नई डेट मान लो 18 मई है. और अगर मान लो ऑडिटर सिर्फ नया वाला डेट देना चाहता है तो वो सिर्फ नया वाला डेट दे देगा. ईओएम तो उसने दिया ही दिया है इन एन इम्फोसिस ऑफ मैटर सेक्शन के अंदर कि ठीक है बस वो उसके साथ में डेट सिर्फ नया वाला दे देगा. पर अगर मान लो मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैनेजमेंट का नहीं चाहो मैं दोबारा से रीड्राफ्ट और रीअप्रूव नहीं करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो क्या हम एक नई रिपोर्ट देंगे? नहीं, तब हम एक नई रिपोर्ट नहीं देंगे, तब हम नई रिपोर्ट नहीं देंगे. पर अगर ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास ही रखी हुई थी, मैंने उनको हैंड ओवर नहीं किया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अपनी ऑडिट रिपोर्ट आप मॉडिफाइड ओपिनियन दो उसके अंदर और उन लोगों को वो मॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट पकड़ा दीजिए. पर अगर आप उन लोग को दे चुके थे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो आप उनको बोलो कि प्लीज़ आप इसको थर्ड पार्टी को इशू मत करो. फिर भी उन लोग अगर आपकी रिपोर्ट को इशू कर देते हैं, थर्ड पार्टी को सर्कुलेट कर देते हैं, फिर आप कोई एक्शन लीजिए. एक्शन कुड भी आप पब्लिक नोटिस, एक्शन कुड भी आप AGM में बोल सकते हैं अगर AGM अभी तक नहीं हुई है, तो आप कोई पब्लिक कोई एक्शन लीजिए ताकि यूजर्स आपकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाय ना करें. ओके, सो बेसिकली इसके दो एरोज बने हुए हैं इस एसे के बाद की समरी के अंदर. नाउ आई गेस कीवर्ड्स आपके माइंड में रह जाएंगे. अगर कोई बात ऑडिटर को इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू कर दिए गए, यानी बात सिर्फ डायरेक्टर्स तक नहीं रह गई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट सब कुछ सर्कुलेट कर दिया गया था AGM के नोटिस के साथ में, तो सारी चीजें वो की वही चलेंगी. सिर्फ इस केस के अंदर मैनेजमेंट को एक बात और बोलेंगे, देखो मैनेजमेंट आप ना ये बात सबको इन्फॉर्म भी करो कि हम एक नई ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं. आप सबको ये बात इन्फॉर्म कीजिए एंड देन ओनली आई वुड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट. मैं उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करूंगा. ओके, चलिए नाउ जब हमने करा, सो बेसिकली आपके पास में फ्लो चार्ट, अगर आपको अब भी एक बार क्लास का फ्लो चार्ट, मैंने तुमको बोला मैंने क्वेश्चन आंसर्स उड़ा दिए, सब काम उड़ा दिया, मैंने सिर्फ मेन टिपिकल जहां से केस स्टडीज आने का लग रहा है मुझे कैसा करके लिखना है वो वाला मैटर यहाँ पे रखा हुआ है स्क्रीन पर, नहीं तो फिर मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है क्वेश्चन आंसर्स को. अब अगर आपको एक बार अपना नोट्स देखना है, क्लास पॉज कीजिए आफ्टर एवरी एसे, अपनी किताब में से उसको जो आपने पढ़ा है जो आपने अंडरलाइन किया एक बार यहीं पे देख लीजिए. अगर टाइम है, टाइम नहीं अलाउ करता, गो अहेड. चलो अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी इस बात को. नाउ जब आप ऐसे 570 की बात करते थे तो इट इज ऑलवेज अबाउट गोइंग कंसर्न. पहला पॉइंट, कैसे 570 वहां लगेगा जब मेरा क्लाइंट गोइंग कंसर्न असम्पशन फॉलो नहीं कर रहा है? नो, ऐसे 570 केवल वहां लगेगा जब मेरा क्लाइंट गोइंग कंसर्न असम्पशन फॉलो कर रहा है, बिकॉज वहीं पे खतरा है, वहीं पर रिस्क है, वहीं पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है. हो सकता है मेरा क्लाइंट गोइंग कंसर्न नहीं हो, फिर भी वो अपने आप को डिस्क्लोज कर रहा हो, अपने आप को दर्शा रहा हो ऐसा एज इफ इज अ गोइंग कंसर्न. हो सकता है उन लोग की फैक्ट्री पे ताला लगने वाला हो, बट उन लोग लास्ट मोमेंट तक नहीं बताते हैं. लास्ट मोमेंट तक दे वोंट टेल यू, यू नो सी पास्ट में कितने सारे केसेस हुए हैं. विजय माल्या जी का केस हुआ है, नीरव मोदी का केस हुआ है, एंड प्लीज गुड फेथ में INX मीडिया वाला केस हुआ है जिसके अंदर जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर जी थे उनके ऊपर भी बात आई है. तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी इस तरह के कुछ फ्रॉड्स होते हैं, कुछ भी चीज़ होती है, कंपनी बंद होने की कगार पे होती है. इवन IBC के अंदर कितनी सारी कंपनीज आ जाती हैं, JP इंफ्रा कुछ साल पहले ये JP इंफ्रा ये IBC के अंदर आ गया. सो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, तो पर वो लास्ट मोमेंट तक ये बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि नहीं हम गोइंग कंसर्न नहीं है. सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. सो
दिस पर्टिकुलर एसे डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरी क्लाइंट ने अपने आप को गोइंग कंसर्न की तरह से शो किया है, सो वेदर क्लाइंट इज एक्चुअली गोइंग कंसर्न और नॉट. सो दिस एसे इज एप्लीकेबल व्हेन द क्लाइंट हैज प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन. नाउ गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमेशा फोर्सिबल फ्यूचर निकट भविष्य के लिए होती है. अगर उन लोग का लिक्विडेट करने का इंटेंशन या ऑपरेशन बंद करने का कंपल्शन या इंटेंशन है तो उन लोग गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे. और क्योंकि गोइंग कंसर्न है तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को नॉर्मल बेसिस के ऊपर फिक्स एसेट करेंट असेट्स इस तरह से लिखा जाता है, कोई रियलाइजेबल वैल्यू पर तो लिखा नहीं जाता है. नाउ सबसे पहली बात मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गोइंग कंसर्न हूं या नहीं, इस खतरे को भांपना, इस खतरे को असेस करना, इसके बारे में कदम उठाना, ये मेन जिम्मेदारी किसकी है. अगर मेरी क्लाइंट को कोई सप्लाईज मिलना बंद हो गया तो क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई ढूंढे. सो बेसिकली एक्चुअली ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट ये डिसीजन बैलेंस शीट डेट तक तो लेगा ही लेगा. नाउ हाँ, अनसर्टेनिटी जरूर हो सकती है, हो सकता है कल को कुछ और चीज़ हो जाए, केस चल रहा है, हो सकता है कल को जीत भी जाए, कल को हार भी जाए, हार जाए तो हो सकता है क्रेडिटर्स को इतना पैसा इन लोगों को देना पड़े कि इन लोगों की सारी सेट सेल हो जाए और फिर भी वो पैसा पूरा नहीं पड़े, यानी एंटिटी को बंद कर दिया जाए. ठीक है, सो मैनेजमेंट को प्रॉपरली देखना है. कई बार एंटिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है तो उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है. मैम मीनिंग देयर बाय एक एंटिटी एक्सपोर्ट्स पर ही डिपेंड करती है. अगर वो एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है और कुछ कंट्रीज ने अपने यहाँ सामान मंगाना बंद कर दिया तो फिर तो इस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ओके, सो बेसिकली और ये सारा जजमेंट बैलेंस शीट डेट को लिया जाता है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसको देखना है कोई अनसर्टेनिटी, कोई डाउट किसी तरह का तो नहीं है, पर ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस वो सारी बात पता नहीं लगा सकता, तो बस उसको ऐसे के हिसाब से काम करना है. वो कोई फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कभी भी. नाउ ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर को गोइंग कंसर्न के बारे में सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं, उसको कंक्लूड करना है कि कोई गड़बड़ का चांस तो नहीं लग रहा है, और उसको रिपोर्ट देनी है अपनी. ठीक है जी, अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. सबसे पहले उसको मैनेजमेंट से पूछना, अगर कभी भी कोई भी डाउटफुल कंडीशंस आई जिनसे डाउट हुआ तो उसको मैनेजमेंट से ज़्यादा बातें पूछनी होंगी, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, कोई अथॉरिटी की रेगुलेशन, सब कुछ देखना होगा. अब कोई भी इवेंट्स या कंडीशंस कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑन अ गोइंग कंसर्न इस एसे के अंतर्गत बताई गई है, जहाँ आपको डाउट होना है. एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स से आपको सबको बताइए वाला ऐसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपकी केस स्टडीज के लिए. तो एक बार स्क्रीन पर मेरी नज़र, कुछ भी उनको लॉसेस आ रहे हैं, डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, है ना, नेगेटिव नेटवर्थ हो गई है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गए, पहले लोग उधार सामान देते थे, अब लोग उधार सामान नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी, मेच्योरिटी डेट आ चुकी है पर इनके पास देने के लिए पैसे नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं, EMIs पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑपरेटिंग इंडिकेटर. मैनेजमेंट छोड़ करके चला गया, या एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर दिया, या कई बार एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं. ठीक है, जैसे एक बार कभी आया तो फाइनल में है, एक बार कभी ऐसा कुछ केस आया हुआ है कि वो पीनट बटर्स उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया. एक कंपनी बटर बनाती थी, मिल्क प्रोडक्ट बनाती थी, लोगों ने मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद करके एंड देन पीनट बटर्स वगैरह खाना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का प्रोडक्शन हेड भी छोड़ के चला गया, बहुत सारे लॉसेस भी आ गए, कोई उनको फ्यूचर मार्केट नहीं दिख रहा है और कोई इसका कोई मिटिगेटर भी नहीं है. नाउ तो हो सकता है मार्केट खत्म हो गया, लाइसेंस आ फ्रेंचाइजी थी, फ्रेंचाइजी छीन ली गई. कोई केस चल सकता है, IBC में आ सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट कर गई एंटिटी को. फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट ड्राई स्टेट हो गया घोषित, तो अगर कोई स्टेट ड्राई स्टेट घोषित हो जाता है, मान लेते हैं बिहार एक ड्राई स्टेट घोषित हो जाता है,
तो उसके अंदर जो लिकर बेचने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर एक डेंट पड़ जाएगा कि हाँ ठीक है, अब हम कैसे सरवाइव करेंगे टाइप्स। या अगर प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा देती है गवर्नमेंट, टोटली बैन लगा देती है, तो जो प्लास्टिक का पैकिंग मटेरियल बनाते हैं उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब हम क्या करेंगे। स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट, SLR रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे बैंक्स, तो भी वो लोग गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे। सी, इन एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान देना है आपको एग्जाम की केस स्टडी को ध्यान से करने के लिए। नाउ पर कभी कभी इनमें कोई पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं, मिटिगेटर्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक का पैकिंग मटेरियल बनना बंद हो गया, बट इन लोगों ने प्लास्टिक की जगह पर पेपर का पैकिंग मटेरियल बनाना शुरू कर दिया, है ना, या कुछ ग्रीन मटेरियल या कुछ पत्तल्स बनाना शुरू कर दिया बजाय प्लास्टिक की कटोरी एंड चम्मच के। सो बेसिकली उस पर्टिकुलर केस के अंदर मिटिगेटर आ गए। सो व्हाट आर मिटिगेटर? मिटिगेटर आर द पॉजिटिव फैक्टर्स टू नलिफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स विच आर देयर, विच आर कास्टिंग डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे डाउट डाल रहे हैं उसको नलिफाई करने के लिए पॉजिटिव। सो ऑडिटर को इन सबके बारे में पूछताछ कम करनी होगी कि ज्यादा, बहुत ज्यादा पूछताछ करनी पड़ेगी? ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा, मैनेजमेंट से पता करेगा, प्लस इसके साथ ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। ऑडिटर कैश फ्लो, P&L अकाउंट देख सकता है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अगर कुछ डिफिकल्टीज डिस्कस हुई हैं तो उनके बारे में पूछ सकता है। तो ऑडिटर बहुत सारे एडिशनल प्रोसीजर कर सकता है, लीगल काउंसिल से, उनके लॉयर से पता कर सकता है, कुछ भी अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो केसेस के बारे में पूछ सकता है। ऑडिटर बोरोइंग फैसिलिटीज, उनके EMI के टर्म्स, ये सब देख सकता है। सेबी वाले कोई एक्शन तो नहीं चला रहे, ये सब देख सकता है। तो उसको डाउट होने पर उसको शांत नहीं बैठना, उसको काम बहुत ज्यादा करना है। नाउ फाइनली वो ये कंक्लूड करेगा कि उसको जब भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल जाएंगे कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो की थी, वेदर दैट होल्ड्स गुड और नॉट, वो अप्रोप्रिएट, वो सही है कि नहीं है। नाउ अगर डाउट होएगा तो देखेंगे कि क्या उन्होंने डिस्क्लोजर्स प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। ओके, सो डिस्क्लोजर्स का मतलब, अगर ऑडिटर को कोई डाउट होता है कि हाँ अनसर्टेनिटी तो है, केस में कुछ भी हो सकता है, 5 साल से 10 साल से पोल्यूशन को कंट्रोल करने का केस चल रहा है कंपनी के ऊपर, तो केस में कुछ भी हो सकता है, देर आर पॉसिबिलिटीज कि इन लोग को अपनी एंटिटी को बंद करना पड़ जाए ड्यू टू हाई पॉल्यूशन कंटेंट जो इनकी फैक्ट्री से एमिट हो रहा है। However, in that case, ऑडिटर देखेगा उन लोग उसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिपोर्टिंग पार्ट है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ऑडिटर को पक्का पता चल गया इनअप्रोप्रिएट है, एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाए हैं, ढेर सारे इंडिकेटर्स थे, कोई मिटिगेटर नहीं था, ऑडिटर को कंफर्म हो गया एंटिटी इज नॉट गोइंग कंसर्न, पर उन लोग अभी भी गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हमारी बात मान नहीं रहा, तो गोइंग कंसर्न की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तस्वीर ही चेंज हो गई, देर इज अ परवेसिव इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, बिकॉज देर इज अ परवेसिव इम्पैक्ट, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत गलत बनाए हुए हैं। तो उस केस में ऑडिटर हमेशा कैसा ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? इट वॉज, सो वेन द मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेन द मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, हाउएवर ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न एंटिटी, उसको नहीं फॉलो करना चाहिए था गोइंग कंसर्न, तो इसमें मिस स्टेटमेंट है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कहां तो कह रहे हैं हम फोरसीबल फ्यूचर तक चलेंगे और कहां भी बंद करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना मेजोरिटी, कितना सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा? ओपिनियन एडवर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट, नाउ प्लीज ध्यान से, बिकॉज ये जब सन 2018 में SA-700 रिवाइज हुआ था, तो SA-700 की सीरीज वाला क्लास आई गेस आपने देख लिया होगा, वट एवर, तो 700 वाली सीरीज के अंदर जो जी सेक्शन आता है, यू नो TAOOGK, उसके अंदर जो जी वाला जो सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट का, दैट पर्टेन्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मान लो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट अनसर्टेनिटी थी और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर दिया, मैनेजमेंट के ऊपर एक केस चल रहा था, कस्टमर ने केस किया था खराब क्वालिटी के गुड्स के लिए, वो केस मीडिया में बहुत हाइप बना गया और उस केस में हो सकता है कंपनी को इतना भारी जुर्माना पे करना पड़े कि कंपनी बंद हो जाए, पर कंपनी ने केस 2-3 साल से चल रहा है, कंपनी ने उसका डिस्क्लोजर कर रखा है प्रॉपरली,
सी आप समझ रहे हो ना, मैं केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, है ना। तो अगर उन लोग ने प्रॉपरली उसका डिस्क्लोजर किया हुआ है, तो आप बताओ 2-3 साल से केस चल रहा है, कंपनी वाले डिस्क्लोजर भी कर रहे हैं, और क्या करेंगे उन लोग बेचारे, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, पर ये कोई बात है जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट सी लग रही है, तो इसको मैं अलग से डिस्क्लोज करूंगी। और इसके ऊपर ऐसे 700 के अंदर फॉर्मेट में उन लोगों ने जी सेक्शन आपको बोला हुआ है। तो अगर उन लोगों ने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है नोट्स अकाउंट्स में कि हाँ जी हमारे ऊपर ये पर्टिकुलर केस चल रहा था और इस तरह से ये सिचुएशन है, तो मैं ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड एक्सप्रेस करूंगी, बस मैं एक सेपरेट सेक्शन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अलग से। तो इसका नेचर ईओएम जैसा है, एम्फेसिस ऑफ मैटर जैसा है, पर फिर भी ये अलग से जाता है जी सेक्शन में, ठीक है, कि यस ये नोट्स टू अकाउंट्स में ये बात लिखी हुई है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, पर मेरी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो इस जी सेक्शन का नेचर क्या हो गया, अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न लग रही है मुझे, फिर भी कोई अनसर्टेनिटी तो है, पर मैनेजमेंट उसका डिस्क्लोजर कर चुका है। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर कर चुका है तो मैं उस बात का जिक्र कर दूंगी, मैं नोट्स और अकाउंट्स में लिख दूंगी, पर क्योंकि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है तो इसका जिक्र ईओएम में नहीं आएगा, इसके लिए एक अलग से सेक्शन बनेगा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, डन नाउ। और अगर डिस्क्लोजर उन लोग ने नहीं किया है, तो अगर डिस्क्लोजर नहीं किया जबकि डिस्क्लोजर करना चाहिए था, सो देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, इवन इफ देयर आर सी इसमें केस स्टडी आएगी तो इनमें से कोई एक आपको कंक्लूजन लिखनी होगी, है ना। तो बेसिकली बिकॉज डिस्क्लोजर करना जरूरी था, तो अगर जरूरी था और नहीं किया तो आपकी ओपिनियन मॉडिफाइड जाएगी, और आप जब उसका कारण बताओगे तो आप कारण भी लिख दोगे। और अगर मैनेजमेंट कह रहे हैं जी हमें नहीं पता हम गोइंग कंसर्न है या नहीं है, तो और आपको भी पता नहीं चल रहा है, तो आप सोच लो आपको ऑडिट ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करनी है, माइट भी आप अनेबल हो तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दीजिएगा। नाउ गोइंग कंसर्न एक ऐसी बात है, क्या मटेरियल, क्या खास गड़बड़े लग रही है, क्या अनसर्टेनिटीज लग रही है, कहाँ पे आपको दिक्कत लग रही है, कहाँ आपको डाउट ज्यादा लग रहा है, कहाँ आपको डिस्क्लोजर्स में प्रॉब्लम लग रही है, दिस इज समथिंग आपको ये लोअर लेवल या मिडिल लेवल से बात नहीं करनी है, आपको बहुत सीधी हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से करना है, ओके राइट। सो बेसिकली कोई भी केस स्टडी आया इंडिकेटर्स से देख करके आपको पता चलेगा गोइंग कंसर्न वाले का है, देन उसके बाद आपके पास में केस स्टडी सॉल्व पड़ी हुई है किताब के अंदर, ठीक है। कई बार डिलेज भी जो होते हैं वो पर्टिकुलर डिलेज भी किस वजह से होते हैं, अप्रूवल में डिले क्योंकि गोइंग कंसर्न को लेके इश्यू होता है, तो भी आपको सोच के चलना है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कैम है तो ठीक है, कैम तो SA-701 के अंदर हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं गोइंग कंसर्न वाली बात को कि कौन किसका सब्सिट्यूट नहीं है, ओके डन। नाउ सो दिस समरी आई गेस नाउ अब आपको करने की कोई वो नीड आज सच नहीं है। सो जब हम इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही थी और डिस्क्लोजर भी था, तो अगर ये केवल एक बार जैसे पढ़ने के लिए ना, जस्ट ऐसी मेन चीज अनसर्टेनिटी थी और डिस्क्लोजर भी किया था, तो अगर अनसर्टेनिटी भी थी और डिस्क्लोजर भी किया था तो हम एक अलग से सेक्शन बनाएंगे मटीरियल अनसर्टेनिटी का रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, क्योंकि मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर किया हुआ है, तो हमने एक अलग से सेक्शन बनाया दैट पर्टिकुलर जी सेक्शन, है ना, जो हम ऐसे 700 के हिसाब से बनाते थे, जी के मैंने इसका निमोनिक बनाया हुआ होगा, है ना, जी एंड के स्कैम का, कि हम अटेंशन ला रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स नंबर दिस 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 कि ऐसा 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 था जिससे अनसर्टेनिटी है, पर मेरी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, राइट। चलिए सो बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 2, मटीरियली मटीरियल अनसर्टेनिटी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटेड है क्योंकि डिस्क्लोजर्स नहीं किए उन्होंने, तो क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोजर्स नहीं किए सो मेरा ओपिनियन कैसा जाएगा, कम से कम क्वालिफाइड ओपिनियन तो जरूर जाएगा, एंड दैट इज द सेम थिंग क्वालिफाइड ओपिनियन गया ही गया है, ठीक है। थर्ड, ये उसी का एग्जाम्पल दिए हुए आपको किताब में ना, फटाक से इसको देख लो, अगर अनसर्टेनिटी भी है, कोई डिस्क्लोज नहीं किया है और आपको कन्फर्म हो जाता है एंटिटी बैंक्रप्ट होती है, होने जा रही है, और उन लोगों ने कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में, तो आपको क्या लगेगा, परवेसिव है, क्योंकि ये ओमिशन मटेरियल के साथ साथ परवेसिव है, तो आपकी ओपिनियन कैसी चली जाएगी, एडवर्स, एंटिटी पक्का गोइंग कंसर्न नहीं है, देन द ओपिनियन हैज टू बी योर एडवर्स ओपिनियन,
ठीक है. सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल थिंग्स. ओके नाउ ठीक है, एक साथ 110 आज इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि अभी आज आप लोगों ने 510 किया इनिशियल ऑडिट्स एंगेजमेंट्स वाला. तो 710 इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कोरिस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो जहां पे पहले दिस ईयर के अकाउंट्स बन जाएंगे सारे के सारे, मेरा क्लाइंट इस साल के अकाउंट्स बना देगा, फिर मेरा क्लाइंट प्रोसीडिंग ईयर के अकाउंट्स बना देगा सारे के सारे, वो तो आपके पास में हो जाएगा कंपैरेटिव. एंड कोरिस्पॉन्डिंग फिगर इज, मैं अभी टी फॉर्म में बना रही हूँ, जहाँ पे वो करेंट ईयर की भी बनाएगा और साथ में साथ 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 वो लास्ट ईयर की फिगर्स भी लिखता चला जाएगा, करेंट ईयर एंड प्रोसीडिंग ईयर की फिगर्स भी लिखता चला जाएगा. तो हिंदुस्तान में नॉर्मली कंपैरेटिव्स को शो करने के लिए यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग लाइक कोरिस्पॉन्डिंग फिगर्स फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जाता है. हाउएवर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यों के त्यों आ जाते हैं, वो भी है. पर अगर हम कोरिस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात बोलते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग फिगर इज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अभिन्न हिस्सा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लास्ट ईयर के फिगर इस साल के फिगर के साथ 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 में लिखी गई है, तो इसको अलग से पढ़ा ही नहीं जा सकता है. लास्ट ईयर की फिगर को इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही पढ़ा जाएगा. नाउ सो इंटीग्रल पार्ट है, लास्ट ईयर की फिगर्स को सिर्फ इस साल के अकाउंट्स और अमाउंट्स के साथ में आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, डन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, इसको मैं एक बार समरी से करा देती हूँ. सी एक बार अपने क्लास के नोटिंग्स या अपना जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह आप जरूर से देख लीजिएगा. पहला पॉइंट, टू मैथड्स हैं, या तो कंपैरेटिव जिसमें पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले इस साल के छपे फिर पिछले साल वाले जो के त्यों कॉपी पेस्ट हो गए, और कोरिस्पॉन्डिंग जहाँ ऐसे 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 इस साल की और लास्ट ईयर की फिगर्स लिखी हुई है. तो ऑडिटर को चाहे कैसे भी मेरे क्लाइंट ने कंपैरेटिव दिखाए हैं, चाहे पूरे पिछले साल के एज इट इज कॉपी पेस्ट करके या इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लास्ट ईयर की फिगर्स को शामिल करके, मुझे देखना ही पड़ेगा कि जो भी लास्ट ईयर की फिगर्स इस साल इन लोग लिख रहे हैं वो लास्ट ईयर वाले से मैच करे या नहीं. लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओ और देखो इधर कॉपी ठीक किया या नहीं किया, इस साल वाले के साथ कॉपी ठीक किया या नहीं किया. कर सकते हो, आपको दोनों साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिलाना है और देखना है पॉलिसी सेम थी या नहीं, और अगर सेम नहीं थी तो उसकी अकाउंटिंग ठीक से हुई है या नहीं. बट अगर लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट किया, तो ये आपका इनिशियल ऑर्डर एंगेजमेंट होगा, आपको ऐसे 510 भी लगाना पड़ेगा. और आपको देखना पड़ेगा कि अगर लास्ट ईयर के ऑडिटर ने ओपिनियन अपनी मॉडिफाई की थी तो उसका इस साल क्या हुआ है, और आपको लास्ट ईयर के ऑडिटर के बारे में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर ऑडिट अनदर ऑडिटर ने की थी जिसने अपनी ओपिनियन ऐसी ऐसी एक्सप्रेस की थी उन स्टेटमेंट पर लास्ट ईयर. सो लास्ट ईयर इज लाइक ईयर जीरो. नाउ अब अगर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है तो आप रेफर करेंगे ईच पीरियड को ओपिनियन देते वक्त, ईच पीरियड को ओपिनियन देते वक्त. मतलब अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आप ईच ईयर को रेफर करेंगे, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस ईयर एज वेल एज फॉर लास्ट ईयर. राइट right? क्यों? क्योंकि उनका दोनों का अलग से वजूद है, दोनों को अलग से पढ़ा जा सकता है, दोनों की अलग आइडेंटिटी है. बट अगर आप कोरिस्पॉन्डिंग फिगर्स की तरह से उन लोगों ने जब बनाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आप सिर्फ इसी साल का जिक्र करेंगे ओपिनियन सेक्शन में. क्यों आपको लास्ट ईयर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि लास्ट ईयर की फिगर इस साल की फिगर का अभिन्न हिस्सा है. राइट right? बट अगर किसी वजह से लास्ट ईयर की फिगर्स में कोई गलती थी, यूं तो आप सिर्फ इस साल का जिक्र करेंगे जब कोरिस्पॉन्डिंग फिगर्स मेरे क्लाइंट ने दिखाई हैं और आप क्लाइंट ने ऐसे ऐसे करा है तब. बट अगर मान लो लास्ट ईयर गलती थी और उस गलती का रेक्टिफिकेशन पास नहीं हुआ, तो आपको बेसिस सेक्शन में ही लिखना पड़ेगा कि इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई हुई इस साल वाले कॉलम में कितनी गलती है एंड लास्ट ईयर वाले कॉलम में कितनी गलती है. राइट right?
तो बेसिकली अगर मेरे क्लाइंट ने क्रोस्पॉन्डिंग फिगर्स की तरह से बनाया है, तो आप क्रोस्पॉन्डिंग फिगर्स को जरूर रेफर करो, कारण बताते हैं वक्त कब, जब लास्ट ईयर वाले ऑडिटर ने ओपिनियन मॉडिफाई की थी पर मैटर इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड, यानी अब तक वो मामला ठीक नहीं हुआ है, कोई पीपीए पास नहीं हुआ है, कोई ठीक नहीं हुआ है, या लास्ट ईयर के ऑडिटर को वो चीज पता नहीं चली थी, इस साल मुझे पता चली है लास्ट ईयर वाले में गलती थी पर क्लाइंट ने उसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया, या क्लाइंट ने उसका प्रायर पीरियड का एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर नहीं किया, देन इन दैट केस व्हाइल एक्सप्रेसिंग द रीजंस, मैं रीजंस बता रही होंगी, तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि इस साल वाले कॉलम में कितनी गलती है एंड लास्ट ईयर वाले कॉलम में कितनी गलती थी, तब उस केस में मैं दोनों साल का जिक्र करूंगी. ओके, सो आई गेस इवन दिस वन इज ओके. अच्छा, आज हम एमसीक्यूज और केस स्टडीज तो ले नहीं रहे हैं भाई, आज मैं कुछ आपको करा रही हूँ. एक मैं आपको, चलो ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं आप. हाँ, ये क्या है, चलो लिसन केयरफुली. अब मैं आपको एक काम करती हूँ, कुछ पर्टिकुलर आपको 200 की सीरीज के कराते हो जो मुझे बढ़िया वाले लगते हैं. हाँ, लाइक 299 एंड ऑल. चलो सबसे पहले 299 सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद में देख लेंगे कौन सा करना है कौन सा नहीं. नाउ ऐसे 299, ये अब तो बहुत टाइम हो गया है, ये चेंज हुआ था 2018 के अंदर, जॉइंट ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट हमारे पास में सेक्शन 139 सब सेक्शन 224 में जब हम पढ़ते हैं वहां पे भी आता है कि मेंबर्स मे रिजॉल्व दैट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर. तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं, बिग कंपनीज हैं, वहां पे जनरली ये टेंडेंसी है कि बिग कंपनीज के अंदर वो लोग मोर देन वन ऑडिटर को लगा लेते हैं, बिकॉज मोर देन, कभी कभी शेयर होल्डर्स अपने आप से बोल देते हैं, कभी कभी रेगुलेशन बोलती हैं, जैसे SBI का तो एक्ट में लिखा हुआ है कि SBI का ऑडिटर हैज टू बी अ जॉइंट ऑडिटर. कंपनीज एक्ट में मेंबर्स के पास में पावर है, मेंबर्स चाहे तो जॉइंट ऑडिटर रखने के लिए बोल सकते हैं. इन सब ऑडिटर्स को जॉइंट ऑडिटर्स बोलते हैं, मान लो P, Q and R. सो ये पी जो है ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये क्यू जो है ये एक दूसरी पर्टिकुलर प्रैक्टिस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर किसी दूसरी आर एंड कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये बेसिकली तीन प्रैक्टिस यूनिट्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है. तो ये बेसिकली आपको जॉइंट ऑडिट्स के बारे में बताता है. 299 टू पीपल, 299 एक से ऑडिटर 299 जॉइंट ऑडिटर. और ये जॉइंट ऑडिटर्स के बारे में बोलता है कि ऑडिटर को खाली ऐसे नहीं लगाना, बाकी सब तो लगाने ही लगाने हैं. ऐसे कोई ब्रांच ऑडिटर के बारे में नहीं बोलता, ब्रांच ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर की बात 600 की सीरीज में करी जाती है. चलो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये ऐसे एक तो बताता है कि आपको मेन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपको एक यूनिफॉर्म तरीके से काम करना है, आपको एरियाज छाटने हैं कैसे हैं, और अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए. सो जॉइंट ऑडिट इज बेसिकली ऑडिट बाय टू और मोर ऑडिटर्स, और ऑडिट रिपोर्ट केवल एक ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, तो उन सबको मिलाकर जॉइंट ऑडिटर बोलते हैं. नाउ ये वाला ऐसे मैं आप लोगों को समरी से पार्ट से करा रही हूँ. सबसे पहले आपने कहा जब प्लानिंग रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क है तो वो सबके सब मिलजुल करके करेंगे. मिलजुल करके करेंगे का क्या मतलब हुआ, ऑडिट स्ट्रेटजी भी जॉइंटली बनाएंगे. ऐसे 300 वाले जितने प्लानिंग के पॉइंट्स हैं, सारी प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एवरीथिंग हैज टू बी डन जॉइंटली. आपस में मीटिंग होएगी, आपस में कोऑर्डिनेशन चलेगा. इन एनी केस डिविजन ऑफ वर्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं, इनकम मैं चेक करूंगा, एक्सपेंसेस तुम चेक करना, असेट्स ये चेक करेगा, लाइबिलिटीज एंड नोट्स अकाउंट्स इन लोग चेक करेंगे. दिया माइट भी कि कोई एरिया ये लोग छोड़ दें, क्या ठीक है चलो इन्वेंट्री का स्टॉक काउंटिंग सब मिलकर अटेंड कर लेंगे, माइट बी दैट. नाउ सो रॉम को भी कंसिडर और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है. रॉम इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट. अगर ये जॉइंट ऑडिटर को भी पता चलता है कि हाँ, जैसे अगर बैंक ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो बैंक्स में NPA का रॉम कितना है, ये सब मिलकर के डिस्कस कर लेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह से. जैसे कुछ साल पहले जब डीमोनिटाइजेशन हुआ था तो वैसे भी करेंसी को लेकर के रिस्क बहुत ज्यादा था. नाउ प्लस आपस में डिस्कस करके ब्रॉड NTE डिस्कस करेंगे, बट एंगेजमेंट लेटर SA 210 वाला
और डब्ल्यू आर जो हम लोग मैनेजमेंट से मांगेंगे वो वाले, वो सब कॉमन होएगा। अब इसके अंदर से इम्पोर्टेंट जो एक पोर्शन बनता है, जो आपके 300 वाले पॉइंट भी बनते हैं, सी सारे एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व रहेंगे, जॉइंटली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, इकट्ठा काम करेंगे, जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे, डिविजन सोचेंगे कैसे कैसे करना है। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफाई करेंगे, कंसिडर कम्युनिकेट करेंगे फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं डायरेक्टिंग के लिए। ये सब पॉइंट्स आपके 300 जैसे पॉइंट्स हैं, 300 जैसे। हो सकता है कोई जॉइंट ऑडिटर ने कभी पहले काम कर रखा तो वो उस नॉलेज का इस्तेमाल करेगा, ब्रॉड एनटीई डिटर्मिनेशन करेगा, यानी प्लानिंग सब मिल करके कर रहे हैं। प्लानिंग जैसे पॉइंट, ऐसे 300 देखिए प्लीज, ऐसे 300 वाले पॉइंट है पांच जैसे, तो ऐसे 300 जैसे पॉइंट सब मिल करके अटेंड करेंगे, आपस में डिस्कशंस करते रहेंगे, आइडेंटिफाइबल यूनिट्स लेकर के चलेंगे, आपस में किसको क्या करना है, रॉम को कंसिडर करेंगे सब लोग, अगर रॉम एक एरिया में पता चलता है तो फटाफट दूसरे को आप बताइएगा, प्लस इसके साथ डिस्कस भी करेंगे एनटीई और किसको क्या काम अलॉट हुआ है, वो हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे कि देखो जी ये बंदा, ये पर्सन एक्सपेंसेस चेक करेगा, ये पर्सन इनकम्स को चेक करेगा। पर इंगेजमेंट लेटर हम कॉमन इशू करेंगे, उनसे एक्नॉलेज कराएंगे, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर या रिटन रिप्रेजेंटेशन हम कॉमन ले लेंगे, प्लस जो भी हम एलोकेशन कर रहे हैं उसको साइन जरूर करेंगे ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने पाए। तो ये सब वहां पर लिखे। आप जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन अगर एक को दूसरे के मतलब की बात पता चलेगी वो उसको प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करेगा, है ना। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम डिवाइड किया, अगर मेरे पास में एक्सपेंसिस का चेकिंग आया तो एक्सपेंसिस का चेकिंग करने के लिए मैं लायबल हूँ टोटली, प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्रोसीजर एक्सपेंसिस से रिलेटेड काम करने के लिए मैं लायबल हूँ, एक्सपेंसिस को कितना काम करना है मैं लायबल हूँ, एक्सपेंसिस से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने और रॉम्स का डिसाइड करना मैं लायबल हूँ। तो मेरे पास जो काम आया है उस काम को ठीक से करने की जिम्मेदारी, उसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, उससे रिलेटेड रॉम के लिए जिम्मेदारी, उससे रिलेटेड एनटी की जिम्मेदारी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पर अगर कोई काम डिवाइड नहीं हुआ तो उस काम का एंटी, फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंटरी का काउंटिंग सब मिलकर अटेंड करेंगे सोचा, तो उसका एंटी सबने सोचा, एक ने कोई बात एक बंदे को बताई और बाकी सब उस बात पर एग्री कर गए तो भी सब जिम्मेदार। साइनिंग के टाइम आपको कंप्लायंस देखनी है, आपको कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद लॉ देखना है, आपको FRF के अनुसार प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अगर कंपनी को ऑडिट करने के लिए गए थे तो शेड्यूल 3 फॉलो किया है या नहीं किया है, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दिखाया है या नहीं दिखाया है, और रिपोर्ट SA के हिसाब से 700 की सीरीज के हिसाब से बनी या नहीं। एक बंदा कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सबके ऊपर भी केस चला सकते हैं, किसी एक के ऊपर भी। सो देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम करते वक्त की भी जिम्मेदारी है और बाद में कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के टाइम की भी जिम्मेदारी है, जिनके लिए सब जिम्मेदार है। नाउ दिस बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके। नाउ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट चाहिएगी, पर अगर डिसएग्रीमेंट होगा, दो लोग बोलते हैं ओपिनियन क्वालिफाइड देंगे, एक बंदा बोलता है नहीं हम ओपिनियन क्लीन देंगे या अनक्वालिफाइड देंगे, तो जो भी डिसएग्रीमेंट कर रहा है वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट देगा, टोटल एक सेपरेट रिपोर्ट जाएगी। सो बेसिकली वन रिपोर्ट वुड बी क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड इन नेचर एंड वन रिपोर्ट वुड बी क्वालिफाइड इन नेचर। जो डिसएग्री कर रहा है वो पूरी अपनी रिपोर्ट अलग से देगा, वो कोई बाउंड नहीं है, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जाएगी और एक ऑडिट रिपोर्ट में दूसरी ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस जाएगा। मेरी ऑडिट रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है, हाउएवर देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट, देयर वाज डिफरेंस इन ओपिनियन मेरी और दूसरे ऑडिटर्स के बीच में, उन्होंने अपनी ओपिनियन इस तरह की एक्सप्रेस किया है, और ये हम OM सेक्शन में देंगे, अदर मैटर सेक्शन में देंगे। और जब भी ऑडिटर्स काम कर रहे हैं उन लोग अज्यूम करेंगे कि सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं, तो एक ऑडिटर को दूसरे ऑडिटर का काम रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बताओ ऐसे कितने पार्ट में बांटा गया, ऐसे को 3 पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट प्लानिंग से रिलेटेड, सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड, इस तरह से ऐसे को बांट दिया गया। ओके, नाउ आई गेस यू कैन डू दैट ऐसे 299, ठीक है। कुछ भी करना है, पीछे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स एक बार हाथ के हाथ देख लो, अदरवाइज चलो लेट्स आगे चलते हैं। बस 2-3 स्टैंडर्ड और करेंगे आज,
अभी इस वाली क्लास में तो. सो ऐसे 250, 250 इज ऑल अबाउट पेनल्टीज एक्सेट्रा. तो ऐसे 250 आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने लॉ को नहीं माना, कोई सिग्नल तोड़ा तो 250 रुपए का चालान हुआ. ओ गॉड, कहाँ 250, कितनी ज्यादा ज्यादा तो पेनल्टीज हैं रोड एंड रोड के से रिलेटेड नियम तोड़ने पर, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर. सरकार ने बढ़ा भी दी थी पेनल्टीज, है ना, पर चलो ठीक है, फिर भी आप मानो, आपने लॉ को नहीं माना तो कितने का चलान हुआ, 250 का चलान हो. तो ऐसे 250 इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन. चलो जी बताओ, बैंक्स वगैरह को भी तो बहुत सारे लॉस लगते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगता है, आरबीआई की गाइडलाइंस भी लगती हैं. कुछ इंडस्ट्रीज जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कोई फार्माक्यूटिकल कंपनी है, कोई कंपनी दवाइयां बना रही है, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं. बहुत सारी कंपनीज के ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल के भी नॉर्म्स लगते हैं. सो कुछ लॉ और रेगुलेशन का तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्योंकि वो अमाउंट एंड डिस्क्लोजर बताते हैं. बोनस की कैलकुलेशन, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बताएगा, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन वो बताएगा, जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे, जीएसटी कितने परसेंट से कैलकुलेट करना था. तो ये तो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाला अमाउंट बताते हैं. पर कुछ लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ता है, बट उनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कंप्लाई तो करना है, पर ऐसा नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कि हाँ ठीक है, धुएं में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाला अमाउंट चेंज हो जाएगा. हाँ, फाइन लग सकता है. कुछ एंटिटीज हेविली रेगुलेटेड होती हैं, बैंक्स, केमिकल कंपनीज, दवाइयां बनाने वाली कंपनीज एटसेट्रा एटसेट्रा, और अगर इन लोग नॉन कंप्लायंस करेंगे तो फाइन लिटिगेशन हो सकता है. सो बेसिकली लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना क्लाइंट की जिम्मेदारी है. एज ऑडिटर मुझे ये बात को चेक करना है कि क्या मैं ये बात को चेक कर रही हूँ एज ऑडिटर कि क्या मेरे क्लाइंट ने लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है. अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दो हिस्सों में बांट दिया. वैसे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ सारे नॉन कंप्लायंसेज को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी नैरेंट लिमिटेशंस भी ज़्यादा है. पर अगर जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, बोनस की कैलकुलेशन ठीक से हुई या नहीं, टैक्स की कैलकुलेशन ठीक से हुई या नहीं, जीएसटी की कैलकुलेशन ठीक से हुई है यानी एम्प्लॉयज़ की सैलरी की कैलकुलेशन ठीक से हुई नहीं, टीडीएस ठीक से काटा है कि नहीं, इसको तो चेक मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा. इसको तो मेरे को चेक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा. पर जो लॉ एंड रेगुलेशन प्रभावित कर सकते थे, नहीं है डायरेक्ट इफेक्ट बट कंप्लायंस फंडामेंटल है, उनके बारे में मेरे को लिमिटेड काम करना है, उनके बारे में मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है. फॉर एग्जांपल, पोल्यूशन कंट्रोल की चीज़ें, पोल्यूशन कंट्रोल के नियम, इसके बारे में आप एक्सपर्ट से पूछताछ कर सकते हो, राइट. अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर देखेगा कौन कौन से लॉज लग रहे हैं, ऑडिटर देखेगा कैसे एंटिटी कंप्लाई करती है, उन लोग लीगल लॉयर को लगा रहे हैं, उन लोग किसी से आउटसोर्सिंग करा रहे हैं कंप्लायंसेस की चीज़, लीगल डिपार्टमेंट है क्या कर रहा है, और डिटरमाइन करेगा डायरेक्ट इफेक्ट है या नहीं है. इसके लिए हम मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं, करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, नोटिसेस देख सकते हैं. इसके पीछे क्वेश्चन आंसर पड़ा हुआ, उसको सारे क्वेश्चन आंसर्स करके जाने हैं, 110% करके जाने हैं. उससे केस स्टडीज कैसे कैसे बन रही हैं आपको क्लैरिटी आएगी. रिविजन क्लास में तो इतना कहाँ करा सकते हो, बैच में तो एक एक के ऊपर पता है कितने कितने घंटे लगाते थे हम लोग. सो बेसिकली ड्यूरिंग अ ऑडिट ऑडिटर को अलर्ट रहना है. अलर्ट अलर्ट कब कब वो रहेगा? कोई केस आया है, केस का कोई नोटिस आया है, उसको लग रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब दी जा रही है, कुछ खर्चे कैश में किए जा रहे हैं, अनअकाउंटेड चीज़ें हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई लीगल एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो पूछना बनता है कि क्यों आप लॉयर के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, कहीं कोई केसेस तो नहीं चल रहे, कोई नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं है. दिस इज देयर इन क्वेश्चन आंसर. नाउ आप WR ले लीजिए कि उन लोग की जिम्मेदारी है. और अगर ऑडिटर को कभी भी पता चलता है कि कोई नॉन कंप्लायंस है, तो ऑडिटर पता करेगा वो नॉन कंप्लायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना अफेक्ट कर रहा है, कितना अफेक्ट कर रहा है, राइट. अब आपको ये नॉन कंप्लायंसेस किसको बतानी है? अगर नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है तो फटाफट से TCWG को बता दीजिए. कभी कभी मैनेजमेंट और TCWG इन्वॉल्व होते हैं नॉन कंप्लायंसेस में, वो लोग लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो आप नेक्स्ट हायर लेवल को बता दीजिए. फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी को, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक ऑडिट करने के लिए जा रहे हो और वो लोग बैंकिंग लॉस को नॉन कंप्लाई कर रहे हैं, तो बड़े बड़े बैंक्स में, नेशनलाइज बैंक्स के अंदर RBI का एक नॉमिनी डायरेक्टर होता है,
वो आरबीआई की तरफ से आता है, तो आप उस आरबीआई के द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर को ये बात बता सकते हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड को बता सकते हैं। हाँ, अगर वो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं है, नॉन कंप्लायंस, फाइन लगाता, फाइन नहीं दिखाया, या बोनस की कैलकुलेशन गलत किया है, तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन ही दीजिएगा। और अगर आपको पता ही नहीं चल पा रहा, मैनेजमेंट आपको पता नहीं चलने दे रहा, आप अनेबल हो पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि चीज़ ठीक है कि गलत है, कोई नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है, तो आप अपनी ओपिनियन क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है नॉन कंप्लायंसेस के अंदर ना, हमको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं बैंक ऑडिट पे गई और मैं जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रही हूँ वो SLR को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में मेरे को ये बात किसको बतानी पड़ेगी? RBI को। तो इसको भी मैंने ध्यान देना है। एंड वर्किंग पेपर रखेंगे। अब इसके बाद इसको बंद करके जो किताब में फ्लो चार्ट बने उसको ऐसे करके देखो, जो मैम ने पढ़ाया आ गया समझ, कीवर्ड्स याद हो गए, डन, ठीक है, नई टाइम है, आगे चलो। चलो प्लीज आपकी अपनी नोटिंग्स वाली, अपनी खुद वाली किताब जो आपने पढ़ी हुई है उसको भी ध्यान देना जरूरी है। ओके, चलिए, जब हम बोल करके चलते हैं SA-240, तो SA-240 इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड। नाउ फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल। फ्रॉड कैसा है? इंटेंशनल है। नाउ फ्रॉड मटीरियल मिस स्टेटमेंट जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रहा है, जिसको हम दो कैटेगरी में डालते हैं, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है और एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट हो जाता है। ये दोनों ही चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई आइटम को कम दिखाया, कोई आइटम को ज्यादा दिखाया, असेट को ओवर वैल्यू कर दिया, सेल्स का ओवर स्टेटमेंट कर दिया, ये सब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई। पॉलिसी कुछ गलत लगा दिया। एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, स्टॉक की चोरी कर दी पर स्टॉक की चोरी को अकाउंट्स में बुक नहीं किया उन लोगों ने, तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर जाती है। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस रखेंगे, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे बनाएंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। ऑडिटर को सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। ऑडिटर का अश्योरेंस एब्सोल्यूट कभी नहीं होता, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से अनअवॉइडेबल रिस्क है, कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, खासतौर पर कुछ फ्रॉड्स। अगर फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को पता करना। एम्प्लॉय के फ्रॉड फिर भी पता चल जाता है, तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में बहुत बहुत ज़्यादा फ्रॉड करना है। तो आपको रॉम देखना है किस एरिया में फ्रॉड ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, कई सारी इंडस्ट्री में रिवेन्यूज में फ्रॉड होता है, बैंक्स के अंदर NPA के अंदर फ्रॉड्स हो सकते हैं, लोग NPA कैटेगराइज नहीं कर रहे होंगे, राइट। कुछ जगहों पे जो प्रोन टू मिस स्टेटमेंट्स होते हैं, चोरी होने का चांस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, जो वैल्यूएबल गुड्स में डील करते हैं, डायमंड्स में डील करते हैं, वहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट ज़्यादा हो सकता है। सो आपको ये रिस्क कंसिडर करना है, आपको फ्रॉडुलेंट एरियाज के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेज ऑब्टेन करने हैं और उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो फ्रॉड के ऊपर तो आपको सबको पता है, आज के दिन 143(12)-15 के अंदर अगर आपको फ्रॉड होने का सस्पिशन भी होता है और एक इंडिविजुअल फ्रॉड 1 crore का थ्रेशोल्ड उसमें दिया, उससे ज़्यादा आपको लग रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको ये बात CG को भी बतानी होती है, आप सीधा पहले बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या इसको। सो दिस एसे इज क्लोजली रिलेटेड, दिस एसे इज क्लोजली रिलेटेड टू योर 143 सबसेक्शन 12-15। मोर ओवर, कैरो के अंदर भी फ्रॉड की रिपोर्टिंग जा रही है। सो अगर ऑडिटर को फ्रॉड की बात पता चलती है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कितनी भी अमाउंट का फ्रॉड हो, उसको कैरो में भी रिपोर्ट अपॉन करना पड़ता है इस बात को। सो फ्रॉड के बारे में उसको जो प्रोसीजर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारी कंसिडरेशन उसको कैरो में भी काम आ रही है और 143 सबसेक्शन 12-15 में भी काम आ रही है। Now, so fraud is always intentional act, ठीक है। Fraud risk factors, 3 main fraud risk factor बताए जाते हैं, incentive है, incentive pressure है, opportunity है, pressure है। Say for example, जो client है वो एक नया public issue लेके आ रहे हैं, उसके दिमाग पे pressure है कि जब तक मैं अपने financial statement ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाऊंगा कोई बंदा पैसे नहीं लगाएगा। अपॉर्चुनिटी है, कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पे अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर फ्रॉड कर सकता है उन लोग। चलो, सो ऑडिटर को स्केप्टिसिज्म का ध्यान कम रखना है कि ज्यादा रखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रखना है। नाउ आप आपस में डिस्कस कीजिए कहाँ आपको फ्रॉड का चांस लगता है। आप मैनेजमेंट से पूछिए, अच्छे से मैनेजमेंट से पूछिए, मैनेजमेंट आप अपना रॉम बताओ, आपको किस एरिया में लग रहा है,
आप बताओ, अगर आपको रिवेन्यू में फ्रॉड लगता है, आपको लगता है कैश की चोरी हो जाती है, सेल्स प्रोसीड्स बुक नहीं होते हैं, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हो? हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट? आप बताओ, आप फ्रॉड की बात TCWG को कब बताते हो? जैसे अगर आपको पता हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में विसल ब्लोअर मैकेनिज्म होता है, अगर किसी भी लेवल पे किसी को भी पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो खतरे की घंटी बजा देता है, मतलब विसल ब्लोअर मैकेनिज्म हायर लेवल को एकदम से ही बात को रिपोर्ट अपॉन कर देता है। आप बताइए, एथिकल बिहेवियर के बारे में आप कितना इम्पोर्टेंट उसको लेकर के चलते हैं, राइट? आप इंटरनल ऑडिटर से भी पूछ सकते हो, प्लस इंक्वायर करो उन लोगों से, अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, कहीं पे भी लग रहा है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, तो आप चोरी होने का खतरा लग रहा है, कोई बंदा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप अपना काम कम करोगे या ज्यादा करोगे? आप अपना काम ज्यादा करोगे, ठीक है? नाउ आपको अच्छे से देखना है कि हाँ ठीक है, ऐसे 330 के हिसाब से, 330 इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सेज कैसे करने हैं, तो आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे ये काम कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, आपको उन एरियाज में NT भी बढ़ा देना है। और NT में हमेशा एक सरप्राइज ले आइए, आप सरप्राइज चेक्स करके चलिए। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रॉड किसी पर्टिकुलर आइटम में है, तो आप उस आइटम में, उस एजर्शन लेवल पे, रिवेन्यू रिकॉग्निशन में आपको फ्रॉड लग रहा है, तो आप रिवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर ही देखो ना, आपको फॉरेक्स में फ्रॉड लग रहा है, तो आप फॉरेक्स की आइटम के लेवल पर देख करके चलिए। और अगर आपको कभी भी मिस स्टेटमेंट लगता है, तो आप देखो कोई गड़बड़ है, फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि जो इंसान एक फ्रॉड कर सकता है वो भगवान जाने कितने सारे फ्रॉड कर सकता है। आपको मैनेजमेंट की मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है उसको री इवैल्यूएट करना है। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे। कभी कभी क्या होता है, इतने सारे फ्रॉड्स हैं कि मेरे को ये लगता है नहीं, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो उस केस में आपको अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है। जैसे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है कि हमको इनकमिंग ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ता है ना। अगर मान लो जैसे से इनकमिंग ऑडिटर, जो भी इनकमिंग, मैंने काम छोड़ दिया, मैंने रिजाइन कर दिया, मुझे कंसिडर करना है मैं विथड्रॉ करूं या नहीं करूं। अगर मैं विथड्रॉ करूंगी, रिजाइन करूंगी, तो मैं मैनेजमेंट को बता करके रिजाइन करूंगी, और मैनेजमेंट को रिजाइन बता करके करने के बाद जब इनकमिंग ऑडिटर आएगा और इनकमिंग ऑडिटर मुझसे पूछेगा, तो मैं उसको कारण बताऊंगी, देख भाई मैंने ना फ्रॉड की वजह से मना किया था, फ्रॉड की वजह से मैंने काम छोड़ा। और विथड्रॉल के केस में, रेजिग्नेशन के केस के अंदर हमेशा हमारे पास में कंपनीज आपकी रिक्वायरमेंट भी लग जाती है, और कंपनीज आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमको 30 डेज के विद इन अपनी रेजिग्नेशन के कारण फाइल भी करने पड़ते हैं कंपनी के पास, ROC के पास, CAG ने अपॉइंटमेंट किया था तो CAG के पास में भी फाइल करने पड़ता है, राइट? तो वो मेरी लीगल रिक्वायरमेंट हो गई। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है, बिकॉज अगर बहुत सारे फ्रॉड की वजह से मैं काम नहीं कर पाते हूँ, तो मुझे काम छोड़ देना है। अब मैनेजमेंट से हर ऐसे में हम लोग WRs तो ऑप्टेन करते ही करते हैं, कि उनकी जिम्मेदारी है फ्रॉड को रोकना, ढूंढना, ठीक करना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। मेरे लिए इनहेरेंट लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो इंसान फ्रॉड करता है वो फ्रॉड को कंसील भी करके चलता है, ठीक है? और मैं मैनेजमेंट से ये सब कम्युनिकेट कर लूँगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी से अगर लॉ में लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 143 सब सेक्शन 12-15 के अंदर लिखा है, राइट? तो ऐसी वाली चीजें, और हम वर्किंग पेपर रखेंगे। आप इसके बाद और करने का मन है, फटाफट से एक बार किताब का फ्लो चार्ट ऐसे जो एक बार पढ़ चुके हो, जो एक बार याद कर चुके हो तुम लोग ऑलरेडी, ठीक है, उसको एक बार देख लो, क्वेश्चन आंसर्स देख लो, ठीक है? चलो जी, अब बेटा आया, नहीं देखना है, टाइम कम है, ठीक है, चलो SA 220। आज मैंने बोला था मैं अपनी पसंद के कुछ स्टैंडर्ड्स करा रहे हो आपको। चलो SA 220 इज लास्ट वन इन दिस सीरीज। हिंदुस्तान में SA 220 के अकॉर्डिंगली क्वालिटी कंट्रोल को ले आए हैं हम। L इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, E इज एथिकल रिक्वायरमेंट, ले आए हैं हम। A इज एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, E इज RA, E इज इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। मैं ऐसे करके बोलती थी हम, H फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस, then U for independence unbiased and M for monitoring हो जाती है आपके पास। तो हिंदुस्तान में क्वालिटी कंट्रोल की अकॉर्डिंगली, मैं एक बार जल्दी से आपको निमोनिक बोल देती हूँ, क्वालिटी कंट्रोल्स को ले आए हैं हम।
राइट. सो एल इज फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई इज फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ए इज फॉर एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ई इज फॉर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ध्यान से करना है, एच इज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, यू इज फॉर हमको अनबायस या इंडिपेंडेंट रहना है, एंड एम इज फॉर मॉनिटरिंग थिंग. नाउ द पॉइंट इज, जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो मैं किसी भी क्लाइंट को ऑडिट करने जाऊंगी, किसी भी क्लाइंट को ऑडिट करने जाऊंगी, मेरा ऑडिट अच्छे से मुझे करना है, मेरे को ऑडिट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से करना है, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए करना है मेरे को. उस काम का वर्किंग पेपर, आपको पता है ना, जो बात SQC 1 में बोली गई है उसी का रेप्लिका है एक तरह से SC 220. SQC 1 कहते हैं चाहे ऑडिट का काम करो चाहे रिव्यू का काम करो, जो भी काम करो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हुए करो, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1. वही 7 प्रिंसिपल उठा लिए हैं SC 220 ने कि जब ऑडिट का काम करो तो ऑडिट का वो वाला पर्टिकुलर काम, उस पर्टिकुलर क्लाइंट का काम इस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए करना. राइट. सो SC 220 इज अ रेप्लिका ऑफ SQC 1. 220 करने का मतलब साथ साथ SQC हो रहा है, बस SQC लगता है सारी एंगेजमेंट सर्विसेज पर, सारी एंगेजमेंट सर्विसेज मीनिंग देयर बाय ऑडिट के काम पे भी लगता है, रिव्यू के काम पे भी लगता है, एंड अदर एंगेजमेंट जो रिलेटेड सर्विसेज हैं उन पे भी लगता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी लगता है SQC 1, जबकि SC 220 सिर्फ ऑडिट के काम पे लगता है. सो लीडर्स को कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अच्छे से काम करने वाला होना चाहिए कि एवे. सो रिस्पॉन्सिबल, एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट कहती है आपको एथिकली काम करना है, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रह करके काम करना है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके चलना है. एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कोड ऑफ एथिक्स में ICAI ने दी हुई हैं कि आपको सारी की सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके चलना है, आपको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, आप बिजनेसमैन माइंड के नहीं हैं बिल्कुल भी, तो आप बेसिकली अच्छे से देखो कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर पा रहे हो नहीं. अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको देखना है आप उस क्लाइंट का काम कीजिए या नहीं कीजिए. अगर आपको बाद में कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि आपको लगता है कि पहले पता होती तो हमने काम छोड़ दिया होता, मना कर दिया होता, तो अब आप काम को छोड़ दीजिए, अब आप काम को रिजाइन कर दीजिए सब लोगों को ये बात बता के. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई फ्रॉडुलेंट बंदा आता है तो आप उसको ऑडिट नहीं लेते ना, क्योंकि आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स मेंटेन करने हैं. तो अगर आपने काम ऑब्टेन कर लिया और अब काम करते हुए आपको लगा अरे बाबा ये बंदा फ्रॉडुलेंट है, तो आप काम छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है उस बात से. नाउ आपको इंडिपेंडेंट रहना ही रहना है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस देखनी है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट. ध्यान आया कुछ? पांच तरह की थ्रेट्स थी. तो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हो गया कि आपके इंडिपेंडेंस को जो जो फेमिलियरिटी थ्रेट भी थी कि जो जो आपकी इंडिपेंडेंस को खतरा है उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करो, उस थ्रेट को कम करने की कोशिश करो, अगर थ्रेट को कम नहीं कर सकते हैं तो आप काम छोड़ दीजिए. जैसे फेमिलियरिटी थ्रेट, अगर आप क्लाइंट को बहुत टाइम से जानते हैं या वो फैमिलियर हो रहा है या क्लाइंट अगर आपको धमका रहा है, इंटिमिडेशन थ्रेट, तो आप उस क्लाइंट का काम छोड़ दीजिए, मत कीजिए काम. अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप क्लाइंट का काम बहुत अच्छे से करेंगे. अब आप बताओ आप किन लोगों को काम सौंपेंगे, कौन सी टीम को काम सौंपेंगे, जिनके पास कॉम्पिटेंस होगा सारा का सारा आप काम, सारा काम आर्टिकल्स को तो नहीं सौंप सकते हैं, कोई तो क्वालिफाइड बंदा भी होना चाहिए आर्टिकल्स के साथ में जाने के लिए. मोर ओवर सारा काम आप CA फाउंडेशन पास आर्टिकल्स को भी नहीं दीजिएगा. अच्छा वो लोग तो बेसिकली आर्टिकलशिप करने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो ठीक है जिनको आर्टिकलशिप करते हुए टाइम हो गया उनको, मीन्स जो लोग अच्छे से काम कर पाए. राइट. आप एंगेजमेंट काम करते वक्त आप आंख बंद करके अपने आर्टिकल्स पे क्लाइंट्स पे यकीन नहीं करेंगे, आप सबको डायरेक्ट सुपरवाइज करेंगे. रिव्यू आप देखेंगे जो भी रिव्यूज हो रहा है, आप जो क्लाइंट का काम कर रहे हो उसको आप रिव्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कंसल्टेशन ऑब्टेन करेंगे. कभी कभी आप इंगेजमेंट टीम में भी, जैसे हमारी टीम में कोई GST एक्सपर्ट हो सकता है, आप उससे GST की अकाउंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं. कभी कभी आप आउटसाइड भी कंसल्टेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. आउटसाइड कंसल्टेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं. नाउ इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, सो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना ही है.
अगर हम किसी भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हैं या हम अपने आप से सोचेंगे कि इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किसका कराना है किसका कराना है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हम अगर मान लो हमने सोच के रखा हुआ है कि ठीक है हम इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराएंगे ही कराएंगे किसी भी ऐसी कंपनी का जो लिस्टेड तो नहीं है बट जिसका नेटवर्थ से फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ से ऊपर है, तो ठीक है हम करेंगे ही करेंगे. सो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेरी रिपोर्ट देने से पहले होगा. मेरी फर्म में किसी दूसरे सीईओ को भी बोल सकते हो कि प्लीज आप आकर के वर्किंग पेपर्स को देख लो कि मैंने ये काम ठीक से किया है नहीं किया है. आप किसी बाहर वाले सीईओ को भी बोल सकते हो. पक्का अगर आपने सोच के रखा है तो क्वालिटी रिव्यू करो, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, और प्लीज जब तक क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दीजिएगा, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर योर ऑडिट रिपोर्ट डेट. वो जो जो कमी आपको बताएगा उन कमियों को आप सुधार लेंगे समय रहते, यानी अपनी ऑडिट उसके बाद में दीजिएगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट उसके बाद में आप दीजिएगा. सो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बहुत सारी बातों को देखता है कि हाँ हमने वर्किंग पेपर रखे. क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वर्किंग पेपर को देख के ही पता लगाता है मेरे रखे हुए वर्किंग पेपर कि मैंने काम ध्यान से किया था या मैंने काम ध्यान से नहीं किया था, राइट right? ठीक है. और वो सब कुछ देखता है मैं इंडिपेंडेंट था या नहीं था. और अगर कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं इवन विद इन द एंगेजमेंट टीम भी, जैसे इंगेजमेंट टीम में सीए साहब कुछ और कह रहे हैं, एक सीनियर और पर्सन है वो कुछ और कह रहा है कि ट्रीटमेंट कुछ और होना चाहिए, तो आपको उसका वर्किंग पेपर भी रखो, आपने इस चीज को कैसे रिजॉल्व किया, कैसे आपने इस चीज को दूर किया. और मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब फर्म के पर्सनल मिलेंगे बैठेंगे साल में, ये चीज जरूर देखेंगे कि हमने जो कुछ लास्ट ईयर ऑडिट्स किए हैं उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई, यानी हम अपने किए हुए काम को मॉनिटर करेंगे, अगर कुछ कमी रह गई तो आगे के लिए सुधार लेंगे. ठीक है, तो हम जो क्लाइंट्स का ऑडिट करेंगे और इन सबका वर्किंग पेपर, तो हम जो क्लाइंट्स का ऑडिट करेंगे, जो भी क्लाइंट्स का ऑडिट करेंगे, वो क्लाइंट्स का ऑडिट हम लोग कैसे करेंगे आप बताइए. वो वाले पर्टिकुलर क्लाइंट्स का ऑडिट हम लोग क्वालिटी कंट्रोल रखते हुए करेंगे. बस 220 ने बोली, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 510 में 500 साइलेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 510 में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 550 में रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 560 में सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में ऑडिटर क्या करेगा. और सब्सिक्वेंट इवेंट्स को दो हिस्सों में बांटा गया था, सब्सिक्वेंट इवेंट टिल ऑडिटर्स रिपोर्टेड एंड कोई बात जो ऑडिटर को बाद में पता चले, फैक्ट्स दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. 570 में गोइंग कंसर्न, अगर मेरा क्लाइंट फॉलो कर रहा है तो उसके बारे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. 299 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर्स, अगर ज्वाइंट ऑडिट हो रही है तो कैसे काम को बांटेंगे, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, जॉइंटली एंड सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने पे अलग अलग रिपोर्ट देंगे. देन उसके बाद 250 में 250 में लॉ को नहीं माना तो चलान वाली बात थी, एंड आपके पास आया था 240 में फ्रॉड, फ्रॉड के बारे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फ्रॉड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, बिकॉज अलर्ट बहुत होना होता है और बहुत ज्यादा अगर फ्रॉड होता है तो काम छोड़ देते हो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सोच के. और 220 में जो भी ऑडिट का काम करोगे क्वालिटी को मेंटेन करते हुए करोगे. सो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए 7 प्रिंसिपल्स आर देयर. अगर हम ये 7 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे, 7 प्रिंसिपल्स SQC1 जैसे प्रिंसिपल्स हैं, SQC1 का ये रिप्लिका जैसा है, तो हमारा काम ज्यादा अच्छा होगा. और SQC1 एक बात और कहता है, वो कहता है कि जो भी आप वर्किंग पेपर फाइल बना रहे हो, वर्किंग पेपर फाइल की असेंबली का काम खत्म कर लो 60 दिन में, और वर्किंग पेपर फाइल को मेंटेन करके चलना है आपने ऑडिट रिपोर्ट की डेट से लेकर के और 7 साल तक. ठीक है, चलो अब जो हमने बात कही थी, जस्ट एक बहुत सिंपल सा चीज लिसन. जब हम तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स को इश्यू किसने किया, ये स्टैंडर्ड्स को इश्यू किया AASB ने, तो AASB किसके अंतर्गत बना, काउंसिल के अंतर्गत बना. तो AASB कौन कौन से वाले स्टैंडर्ड्स बनाता है, सो बेसिकली केवल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही सिलेबस में, और तो कोई सिलेबस में रहा वहा नहीं है, है ना. सो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू इज लाइक रिव्यू ऑफ IFI, राइट, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना,
ठीक है, एस ए ई स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर, या फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड SRS स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड शॉर्ट नोट तो इन लोग कभी भी पूछ सकते हैं लाइक इसके ऊपर. सो SRS स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड सर्विसेज लाइक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड कंपाइलेशन. क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जो आज के दिन एक SQC1 है, SQC1 इन सब पर लगेगा, ये सब में जो भी काम कर रहे हैं. सो ये स्टैंडर्ड तो 1 to 99 SQC ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड का नंबर 100 से 899 तक है. ऑल दो 100 नंबर का कोई है नहीं, 200 से शुरू होकर के और 700 और 800 की सीरीज में जाकर के खत्म हो जाते हैं 810 पर. रिव्यू एंगेजमेंट 2000 की सीरीज में, इश्योरेंस का काम यदि सीए करेगा तो 3000 में, रिलेटेड करेगा तो ये. सो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, दिस इज योर शॉर्ट नोट. नाउ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कौन किससे रिलेटेड है. ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता होगा, तो इंस्टीट्यूट की काउंसिल बनी, काउंसिल के अंतर्गत AASB ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बना. ये लोग कौन से वर्ल्ड वाइड नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आ रहे हैं, पुराने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना, उनको रिवाइज करना, नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट बनाना, नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना, नए गाइडेंस नोट्स को बनाना, क्लैरिफिकेशंस लेकर आना, पुराने गाइडेंस नोट को रिवाइज करना, इन लोग यही काम करते हैं बेसिकली. एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बनाना, ये सब के सब काम करते हैं. प्लस कॉम्पोजिशन, जो काउंसिल के मेंबर हैं वो तो होंगे ही होंगे, प्लस सीए प्रोफेशन के अच्छे जाने माने नाम, सेबी आरबीआई आईआरडीए का इनवाइटी, आईआईएम का एक इनवाइटी, इंडस्ट्री एसोसिएशन का, और पब्लिक इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला, यानी AASB में ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड में बहुत सारे इन्वाइटीज होते हैं. और जो भी बोर्ड का चेयरमैन है उसका टर्म 3 ईयर्स है, या अगर काउंसिल में उसको केवल 2 साल बचे हैं तो वो 2 ईयर्स के लिए चेयरपर्सन रहेगा. काउंसिल अपने आप भर सकती है वैकेंसी, यानी AASB में प्रभुत्व तो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स का है, मतलब इंस्टीट्यूट की काउंसिल का है. ऑल दो बाहर से भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं है. और वर्किंग ऑफ AASB के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, AASB क्या करता है, बस एक बार इसको स्क्रीन पे रोक लो, चाहे स्क्रीन के ऊपर इसको पॉज भी कर लो, कोई नहीं, कि AASB क्या करता है. जस्ट एक ऐसी छोटा सा मैंने इंक्लूड किया है, AASB की ग्रुप्स बनाता है. सबसे पहले एक ऐसी थोड़ी ना एक स्टैंडर्ड आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट बनता है, स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट चेयरमैन को भेजा जाता है, फिर उसको वेबसाइट पे होस्ट किया जाता है 21 दिन के लिए कि मेंबर सजेशंस देंगे, फिर उसके बाद उसको ग्रुप को फिर भेजते हैं, स्टडी ग्रुप को. से फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल ऑडिट्स पे बन रहा है कुछ, इंटरनल ऑडिट के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर, तो उससे रिलेटेड स्टडी ग्रुप को, एंड देन फिर फाइनल मॉडिफाइड ड्राफ्ट जो है वो काउंसिल मेंबर्स को देते हैं, फिर उसको वेबसाइट के ऊपर लाते हैं पब्लिक एक्सपोजर के लिए कि आप इसके ऊपर कमेंट्स वगैरह दीजिए, एंड देन उसके बाद उसके रिस्पॉन्स को कंसिडर करके फिर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है. एंड दिस इज जस्ट फॉर योर कीवर्ड सेइंग, इसको एक बार आप देख ही लेंगे. और अब मेरा क्लास खत्म करते हुए आप लोगों से एक सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी एक बात ध्यान से सुनिए. आपने जितने स्टैंडर्ड आज मैंने कराए, देखिए मैं एट वन को सब नहीं करा सकती, प्लीज यू नो दैट, है ना. तो आज जितने स्टैंडर्ड हमने किए हैं ये सब, इनको आपको क्या करना है, अभी की अभी अगर टाइम आपको परमिट कर रहा है तो अभी की अभी इन्हीं वाले स्टैंडर्ड्स के पीछे का फ्लो चार्ट किताब वाला, और इन्हीं वाले स्टैंडर्ड्स को थोड़े से तो किए हैं, इन्हीं वाले स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से देख लो. MCQ तो पहले करे हुए होंगे तो अब एज सच रिविजन की जरूरत नहीं है. फिर भी कोई खास MCQ लग रहा था, मैंने बातों बातों में केस स्टडीज बना के आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है, ठीक है. सो जल्दी से इसको क्लास को खत्म करने की कोशिश तो की है. ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलो. Okay, thank you.